हाय एक सेकेंड स्टार्ट हो गई ना वेट यस इट्स लाइव नाउ हाय एवरीवन गुड इवनिंग नमस्कार सबको स्वागत करती हूँ आपका एक लर्निंग के बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिवान सर अकेडमी पर होप सो यू आल आर फाइन थोड़ा सा एक्चुअली फर्स्ट टाइम अलग सी स्टार्टिंग है सॉरी फॉर डेट हाँ सो so, भाई कुछ स्टूडेंट मुझे जानते होंगे कुछ स्टूडेंट शायद मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ दिस साइड निशा शर्मा फ्रॉम अचीवर्स अकेडमी सो दीवान सर भाई आप लोगों का बहुत ही ख्याल रखते हैं तो सर ने कहा मैम स्टूडेंट्स का एग्जाम है और इंग्लिश की क्लास हुई नहीं है अभी तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं मिलके करवा देते हैं इंग्लिश भी तो भाई आपकी हेल्प के लिए हम जो भी आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम है दो चार दिन के बाद तो उसके लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो फटाफट -फड़ से सारे आ जाइए सेशन को ज्वाइन कर दो और शेयर कर दो अब सर ने यहाँ लिखवा दिया है भाई टेन आउट ऑफ टेन अब मैं ये तो नहीं कहूँगी टेन ऑफ टेन आउट ऑफ टेन रीजन इज डैट क्योंकि एक दो क्वेश्चन वोकेबलरी से रिलेट होते हैं और वो डिपेंड करता है कि आज तक आपने वकेबलरी को किस हिसाब से पढ़ा है है ना बट बाकी कोशिश रहेगी कि आपकी एक बेहतरीन हेल्प हो पाए जो सर ने जिस उम्मीद से क्लास रखवाई है आपकी हेल्प हो जाए तो उस उम्मीद से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं तो फटाफट -फड़ क्लास को एक बार शेयर कराओ और जो अचीवर्स वाले स्टूडेंट है दीवान सर चैनल पर नए हैं वो सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत कुछ अच्छा सीखने को आपको मिल सकता है इन फ्यूचर चलो सो so, हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो क्वेश्चन लेंगे जो ग्रुप डी के पी वाई क्यूज है ठीक है और क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि उनमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ से क्लियर होता चला जाए तो करें भाई स्टार्ट हम्म चलो आपके कमेंट मुझे दिख रहे हैं सबके तो करते हैं स्टार्ट बिल्कुल यहां से तो फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट टेंस से रिलेटेड है आपके सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस में मेंशन है ग्रामर कुछ एरर जो स्पोर्ट है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टेंसेस और ईडीएम एंड फ्रेजेस इडीएम फ्रेजेस आपको सारी याद करवा के जाऊंगी लास्ट में बिल्कुल तो ये क्वेश्चन है टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि कॉन्सेप्ट साथ साथ होता रहे फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट वर्ब फ्रॉम द वर्ड गिवन आपको एक वर्ब की फॉर्म यहाँ पर फिल करनी है और आपको बताना है कौन सी वर्ब की फॉर्म यहाँ पर बेटर रहने वाली है लास्ट इवनिंग वी गो टू दैंग्रोव बाय द बोट वेन वी फाउंड ए रेयर सीगल ये कह रहा है कि भाई लास्ट इवनिंग हम कहीं पर गए थे और वहां हमें कुछ सीगल वगैरह कुछ मिला था कोई पक्षी वगैरह ठीक है अब मैं कमेंट्स पर ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि फिर पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है बट बस आप जुड़ते रहें और समझते रहें अब आपको समझना है जहां पर भी आपको इस टाइप से शब्द गिवन हो जैसे लास्ट इवनिंग अगो यस्टरडे इस तरीके के आपको सेंटेंस में कहीं भी शब्द मिल जाए तो ध्यान रखना वहां पर आप टेंस की बात करें तो सिंपल

डालते ठीक है तो आंसर रहने वाला है आपका टू नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन आया है द द ग्रोइंग ऑफ विजिटर्स फुटपाथ अब ध्यान से देखिएगा द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स कहते ना बढ़ते हुए विजिटर्स हैं भाई कहीं कुछ होता है फंक्शन और कहीं कुछ घूमने जाते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ चले जाते हैं अब ध्यान से देखिएगा आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो कुछ प्लुरल सा फॉर्मेट है एक चीज और मैं बताना चाहूंगी क्योंकि आपका एग्जाम है तीन से चार दिन के बाद तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप जहां भी पढ़ रहे होंगे जिस भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं सर से पढ़ रहे हैं या एक्स वाई जेड कहीं का भी बच्चा है तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स अब तक क्लियर हो चुके होंगे एग्जाम से तीन दिन पहले ये सिर्फ पीवाई क्यूज का एक क्विक रिविजन है कॉन्सेप्चुअल स्टडी यहां पर नहीं है लेकिन कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए ठीक है अब यहां पर देखिए द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स अब देखिए देखने में आपको क्या लग रहा है भाई ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स है मतलब बहुत सारे विजिटर्स हैं मतलब बहुत सारे विजिटर्स ग्रो हो रहे हैं बहुत सारे विजिटर्स चल रहे हैं मतलब बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं तो दिखने में आपको लग रहा है कि यार बहुत सारे विजिटर्स हैं बट ध्यान से सुनिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल होता है जब भी एक चीज एट द होल रिप्रेजेंट कर दे जैसे द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को एट द होल डाला हुआ है तो ध्यान रखना कोई भी प्लूरल चीजें हैं जब उनको हम एट द होल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में आती है ठीक है तो वो हमेशा किस फॉर्मेट में आते हैं सबको राम राम सबको गुड इवनिंग तो वो हमेशा किस फॉर्मेट में आती हैं भाई सिंगुलर तो हम लिखेंगे द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो आर आपको पता है प्लूरल है इज सिंगुलर है वर प्लूरल है ये तो सिंपल टेंस है तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा भाई आंसर आपका आ जाएगा बी ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका बी द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स इज डैमेजिंग द फुट ठीक है आपको ध्यान रखना है तो आंसर रहेगा यहां पर बी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच बीच में थोड़ा सा भाई आपको है लाइव सेशन है और विजुअल है तो आप अपने इंप्रेशन जरूर देखते रहे मैं आपके कमेंट बिल्कुल स्क्रीन पे देख रही हूं आप बीच बीच में क्लास के बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए अपने एक्सप्रेशन जरूर बनाते रहना कि क्लास कैसी लग रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा ट देंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द्रैकेट आपको यहां पर भी वर्ब की फॉर्म को चूज करना है टूमारो आई डैश लीव द ऑफिस अर्ली टू अटेंड ए मीनिंग कल भाई मैं ऑफिस चला जाऊंगा किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए आप ध्यान से देखिएगा आपको जब सेंटेंस में दिख रहा है टुमारो तो टुमारो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है टुमारो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है और फ्यूचर टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपको पता है वो कौन से होते हैं लीव लेफ्ट विल विल तो वो कौन सा होता भाई? विल है भाई शैल होते हैं फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब तो टुमारो आई विल लीव द ऑफिस अर्ली टू अटेंड ए मीनिंग यहां पर मीटिंग तो आंसर आपका क्या रहने वाला है बी ये बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन है आपके एच एस एस सी में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम सॉरी टू से डैट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इन एक्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिए कई बार एग्जाम में आता है आई एम सॉरी टू से डैट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अब इंफॉर्मेशन दिखने में लग रहा है यार बहुत सारी सूचनाएं है, है ना दिखने में क्या लग रहा है कि बहुत सारी सूचनाएं बट मेक श्योर याद रहे इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है ठीक है तो इन्फॉर्मेशन हमेशा किस में यूज होता है भाई सिंगुलर में यूज होता है तो किस में यूज होता है भाई सिंगुलर में यूज होता है क्या इंफॉर्मेशन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या आ जाएगी वॉज क्योंकि ये कह रहा आई एम सॉरी टू से मुझे कहते हुए संदेह है डैट तो कई बच्चों के माइंड में यह आएगा कि मैम इज होता इस ऑप्शन में तो हम इस भी तो भर सकते थे यदि इस ऑप्शन में इज होता तो मैम हम इस भी भर देते यहाँ पर इंफॉर्मेशन इज बिल्कुल क्वाइट ओके है बट सेंस को समझना है सेंटेंस की डेट लगा के इसको नरेशन का इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है पास्ट में कन्वर्सेशन इसका हो गया है तो इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर किसकी चूज करेंगे भाई पास्ट की ठीक है बट आपको ध्यान रखना है इन्फॉर्मेशन सिंगुलर होता है तो कभी भी ये मत सोचना सूचनाएं भाई देखने में तो मैम सूचनाएं तो बहुत सारी होती हैं तो प्लूरल होना चाहिए बट ये सिंगुलर होता है ठीक है ध्यान रखेंगे यस yes, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी हाँ ट्राई करो मेरे साथ आंसर करने का क्योंकि चार दिन बाद तो आपका पेपर ही है ना समझ रहे हो हम्म चलो नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब तो वर्ब की सुटेबल फॉर्म आपको यहां पर फिल करनी है वी डैश सिंस टू ओ क्लॉक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बहुत आता है एच एस एस सी का फेवरेट है आगे होप्स आपको देखने को मिल जाए देखिएगा वी डैश रीड सिंस टू ओ क्लॉक ध्यान से सुनिएगा यदि आपको सेंटेंस में एक ही देखो कॉन्सेप्ट साथ -साथ ऐसे क्लियर होंगे कि इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट -फड़ कर पाओगे ठीक है अब यहां पर देखना ध्यान से समझना जहां भी आपको सिंस और फोर मिलता है और उसके बाद ध्यान से सुनिएगा खाली सिंस के बाद और भी डेंस आता है सिंस और फोर के बाद यदि आपको कोई टाइम इंडिकेशन मिल जाए ठीक है सिंस और फोर के बाद यदि आपको कोई टाइम इंडिकेशन मिल जाता है तो मेक श्योर इन योर माइंड वहां पर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है अब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट का भी हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है अब आपको समझना है कि मैम कहां हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएं कहां हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और कहा हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे ठीक है यस yes, नवीन आपका आंसर बिल्कुल सही है आप समझिएगा इस बात को वी डैश सिंस टू ओ क्लॉक ध्यान से वो कह रहा है भाई हम दो बजे से पढ़ रहे हैं मतलब भाई दो बजे मैंने पढ़ना शुरू किया था अब भी हम पढ़ रहे हैं तुम जिस हिसाब से स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे ज्यादा वीडियो को शेयर करके आओगे तो ये क्लास लंबी भी ले लेंगे नहीं तो यह क्लास छोटी भी ले लेंगे है ना भाई इट्स अप टू यू कि आप कितना क्लास को शेयर करके कितने बच्चे इस क्लास के साथ जुड़ते हो अब देखेगा वी डैश सिंस टू ओ क्लॉक हम दो बजे से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं है ना तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो टेंस आना चाहिए वो भी कौन सा आएगा भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यूस ठीक है टेंस आएगा वो भी कौन सा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ध्यान से देखिए वी रीड्स रीड्स क्या होता है ये तो सिंपल प्रेजेंट है है ना वॉज रीडिंग ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है हाउ बीन और ये क्या है भाई प्रेजेंट अब बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो बट आई थिंक पता होगा भाई हैज और हैव का डिफरेंस तो पता है यदि आपका नाउन है ये जो भी आपका सब्जेक्ट है जो भी आपका सब्जेक्ट है यदि ये सिंगुलर है ठीक है यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कोई भी सिंगलर सब्जेक्ट है ही शी इट है तो हम क्या लगाते हैं हम हैज लगाते हैं ठीक है हम क्या लगाते हैं हैज लगाते हैं और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वहां पर क्या लगाते हैं भाई हैव लगाते हैं अब सबको पता होगा भाई वी का मतलब हम हम क्या हो गए प्लूरल हो गए ठीक है हम क्या हो गए प्लूरल है तो यहां पर आंसर क्या आएगा हाउ बीन रीडिंग एक सेकेंड में ये देख लूँ कि स्क्रीन पे कमेंट शो हो सकते हैं यानी एक सेकेंड भाई क्योंकि ये ना मोबाइल में थोड़ा मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे कमेंट पॉसिबल हैं क्या देख पाने तो मैं यहाँ देख लेती ज़्यादा बेटर लगता मुझे कोई बात नहीं फोन में ही देख लेंगे <laughs> हाँ कोई नहीं फोन में देखेंगे एक्चुअली स्क्रीन पे दिख नहीं रहा ना उस सर के चैनल के थ्रू चल रहा है और मेरी आदत हो चुकी है जैसे अपने चैनल पे बढ़ाती हूँ तो सामने देखने की चलो कोई नहीं यहां देख रही हूं मैं हाँ तो यहां पर क्या है भाई हाउ बीन रीडिंग आंसर हो गया आपका थ्री क्लियर है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चूज द करेक्ट डिटरमाइनर यहां पर आपको एक डिटरमाइनर चूज करना है मतलब इट्स ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव है जो आपको यहां पर चूज करना है डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग यहां पर समझते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट साथ में डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग यहां पर जो कॉन्सेप्ट आया है वो फ्यू और लिटल का आया है ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ यहां पर जो कॉन्सेप्ट आया है वो फ्यू और लिटल का, है। few और little का आया है फ्यू और लिटल का कॉन्सेप्ट आया है अब जो और लिटल को हम यूज करते हैं जब हम और लिटल को यूज करते हैं तो हम कम के लिए यूज करते हैं ठीक है हम किसी भी चीज का जो कम होता है उसके लिए यूज करते हैं हाँ सर कोई नहीं ओके हूँ मैं फोन में देख रही हूँ नहीं प्ले तो हो रही है मेरे चैनल पे, लेकिन वो साइड में दिख रहा है मतलब छोटा दिख रहा है बट कोई नहीं मैं कंफर्ट हूं इसमें देख लूंगी देखिएगा फ्यू और लिटल का जो कॉन्सेप्ट होता है ध्यान से सुनिएगा ये कम के लिए होता है ठीक है फ्यू और लिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए यूज करते हैं हम कम के लिए यूज करते हैं भाई कोई भी चीज कम है अब माइंड में आता है कि मैम कम के लिए हम फ्यू लगाए लिटल लगाए या ए लिटल लगाए ध्यान से सुनिएगा फ्यू होता है ए फ्यू होता है और फ्यू होता है इसी तरीके से लिटल होता है ए लिटल होता है और द लिटल होता है ठीक है अब इन सबका मतलब होता तो कम के लिए ही है ठीक है तो इन सब का मतलब होता तो किसके लिए होता है भाई कम के लिए ही होता है बट समझेंगे कि कहां पर फ्यू और लिटल में क्या डिफरेंस देखो कोई भी चीज यदि काउंटेबल है सबसे पहले तो यू समझना है कोई भी चीज यदि काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन के साथ तो हम क्या लगाते हैं भाई फ्यू लगाते हैं ठीक है यदि आपका नाउन काउंटेबल है यदि काउंटेबल का मतलब यदि आप उसको गिन सकते हो तो आप फ्यू का प्रयोग करेंगे यदि आपका नाउन अनकाउंटेबल है अनकाउंटेबल मतलब यदि आप उसको गिन नहीं सकते ठीक है तो यदि आप उसको गिन नहीं सकते तो हम क्या यूज करते हैं भाई लिटिल यूज करते हैं अब मैम ये बताओ कि ए फ्यू ए लिटिल कहां यूज करेंगे ध्यान से देखिए जब आपके पास चीज है ही नहीं है ही नहीं मतलब कहते ना भाई थोड़ी सी है ना कि मतलब है ही नहीं चीज समझ लो तो ध्यान रखना लिटल और फ्यू में कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ आपका नाउन यदि काउंटेबल है तो वहां पर आप फ्यू ए फ्यू ए यूज करोगे यदि आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो वहां पर आप लिटल यूज करोगे बस इतना सा ही ही फर्क है है अब देखिए चीज नहीं तो हम क्या यूज करते हैं फ्यू यूज करते हैं चीज है लेकिन थोड़ी सी है आपका काम वाम नहीं चलने वाला उससे बिल्कुल भी तो हम क्या यूज करते हैं भाई ए फ्यू या ए लिटल यूज करते हैं ठीक है इंग्लिश सब्जेक्ट कभी भी बोरिंग नहीं होता बे शर्ते उसको पढ़ाने वाला बोरिंग ना हो ठीक है और मैं बिल्कुल बोरिंग नहीं हूं आपका जो हरियाणा वालों का इंग्लिश का फोबिया है ना वो खत्म हो जाएगा बस तुम पढ़ते रहो ठीक है ए फ्यू और ए लिटिल तो ये कहां पर आता है चीज है तो सही चीज है तो सही लेकिन कैसी है भाई जिससे आपका कोई कामवाम नहीं चलने वाला और द फ्यू और द लिटिल का मतलब क्या होता है कि चीज तो अभी आपके पास कम है चीज तो अब भी आपके पास कम है लेकिन कहते ना जितनी है सारी वही है ठीक है चीज तो अब भी आपके पास कम है लेकिन जितनी है सारी वही है ठीक है क्या समझे चीज तो अब भी कम है जितनी है सारी वही जैसे मैं कहूं द शो वॉज कैंसल्ड बिकॉज डैश पीपल केम शो को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि लोग नहीं आए अब आप बताओ खुद सोचो शो कब कैंसिल होगा थोड़े बहुत भी बंदे आएंगे अब मान लो तुम पांच दस भी देखने आते तो मैं पढ़ा देती और मान लो जीरो लाइव होता तो मैं क्या कहती यार छोड़ो ना सर क्या करेंगे क्लास का जीरो बच्चा लाइव है तो हम क्लास को क्या कर देते कैंसिल कर देते तो कहने का मतलब द शो कैंसिल बिकॉज फ्यू पीपल केम क्योंकि कुछ लोग आए आए ही नहीं तभी तो शो कैंसिल हुआ है ना मैं कहूं डैश पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंडिया मैं कहूं डैश पीपल स्पीक इन इंग्लिश इन इंडिया अब इंडिया में कितने लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं डैश पीपल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन इंडिया अब आप सोचो यार इंडिया में कितने लोग बोलते बोलते हैं? हैं? फटाफट फड़ बताओ। आपको क्या लगता है? इंडिया में कितने लोग fluent English बोलते हैं? अब सारे तो नहीं बोलते भाई। अब ये भी नहीं है कि कुछ भी नहीं बोलते बोलते तो होंगे तो हम क्या कहेंगे ए फ्यू पीपल तो हम क्या कहेंगे ए फ्यू पीपल जैसे मैं कहूं डैश मनी मैंने वो पैसा खर्च कर दिया जो मेरे पास था ध्यान से सुनना जब भी आपको सेंटेंस में इस तरीके का मिले ना जैसे डेट आई हैड भाई जो मेरे पास था मैंने सारा खर्च दिया इसका मतलब क्या है जो मेरे पास था सारा ही खर्च दिया मैंने तो एट द होल जब भी आपको इस तरीके का सेंटेंस मिले भाई जो था चाहे वो थोड़ा ही था भाई जो था सारा खर्च दिया तो वहां के कॉन्सेप्ट तो में क्या लगता है भाई द लिटल वगैरह ठीक है तो वहां के कॉन्सेप्ट में क्या लगता है भाई द लिटल लगता है अब यहां पर देखिए ये कह रहा है नॉलेज इज डेंजरस थिंग अब भाई खुद बताओ पहली बात तो आपको देखना knowledge. Knowledge को काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते फड़ा -फड़ा आंसर दिया करो साथ साथ नॉलेज को काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो डेफिनेटली नॉलेज इज अनकाउंटेबल अब नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता तो डेफिनेटली यहां पर लिटल भरेंगे अब मुद्दा यह है कि लिटल ए लिटल या द लिटल अब आप खुद बोलो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है तो खतरनाक कहां से होएगा भाई तो होएगा अब भी खतरनाक नहीं होता आपने एक में सुनी होगी अदजल गगरी जाए, है ना? तो थोड़ा ज्ञान जो है वो थोड़ा खतरनाक होता है तो यहां पर क्या लिखेंगे हम ए लिटल ठीक है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे क्लियर क्लियर हो रहा है शाबाश चलो हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल सभी क्वेश्चंस आपके एच ग्रुप सी डी के ही हैं नेक्स्ट देखिए फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव आपको सही एडजेक्टिव इस सेंटेंस के अंदर फिल करना है कश्मीर इज डैश देन दिल्ली अब भाई ये कह रहा है कि कश्मीर दिल्ली से कोल्ड है हॉट है कोल्डेस्ट है मोर कोल्ड है अब देखिएगा यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा एडजेक्टिव के अंदर तीन डिग्रियां होती हैं एक होती है पॉजिटिव ठीक है एक होती है पॉजिटिव एक होती है सेकेंड डिग्री जिसको हम कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं एक होती है सुपरलेटिव डिग्री ठीक है शॉर्ट में ही करवा रही हूं मैं क्योंकि आपको पता है यहां कम समय में मुझे आपके क्वेश्चन कवर करवाने हैं ठीक है थीके? हाँ अब यहां पर देखिएगा पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव अब देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है जब एक बंदे की एक से ही तुलना हो ध्यान से समझिएगा यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है जब एक इंसान की एक से ही तुलना हो तो वहां पर क्या आता है भाई पॉजिटिव डिग्री आता है ठीक है अचीवर्स वालों आगे नए क्वेश्चन भी आएंगे डोंट वरी मुझे पता है ये प्रैक्टिस करवाया था पहले देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपकी आपसे ही तुलना है मतलब मैं खुद की खुद के इससे ही तुलना कर रही हूं मोहन की मोहन से ही बात कर रही हूं मैं कहूं मोहन बढ़िया गाता है ठीक है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री ठीक है मैं कहूं मोहन सोहन से अच्छा गाता है मोहन राम से अच्छा गाता है तो जब हम दो में कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं ठीक है दो में कंपैरिजन कर रहे हैं हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बोलते और मैं कहूं यार मोहन है ना सबसे बेस्ट है मोहन क्या है भाई मोहन सबसे बेस्ट है तो जब हम ये बोलते हैं कि मोहन तो भाई सुपर है सबसे ही बेस्ट है मोहन तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं अब यहां पर देखिए कश्मीर इज दिल्ली और वैसे भी देन जहां पर आ जाता है ध्यान से सुनिएगा देन जहां पर आ जाता है वहां पर हमेशा कंपेरेटिव डिग्री ही यूज होती है ध्यान रखेंगे देखिए कश्मीर इज डैश देन दिल्ली अब कश्मीर दिल्ली से है तो सीधी सी बात है भाई सेकंड डिग्री भरोगे तो क्या भरोगे भाई कोल्डर ठीक है क्या भरोगे कोल्डर यह यहीं तक खत्म कर देता कश्मीर तो कश्मीर इज कोल्ड कश्मीर की कश्मीर तक ही सीमित है कश्मीर इज डैट इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया ऐसे लिख देता है इंडिया के सभी स्टेट्स में कश्मीर तो फिर हम क्या लगाते फिर हम क्या लगाते भाई कोल्डेस्ट लगाते होप सो so, तुम समझ गए इस बात को समझ गए भाई हां बिल्कुल चले आगे चलो नेक्स्ट देखिएगा हिज एक्शन लुक्स वेरी डैश सस्पेशन यहां पर आपको फिल करना है कि विच इज द राइट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस कौन सा शब्द सही है जो इसको कंप्लीट करेगा तो हिज एक्शन लुक्स वेरी तो उसका जो एक्शन है वो क्या लग रहा है भाई तो सस्पिशियस ठीक है तो क्या आएगा भाई यहां पर ये सीधा सा है तो हम जनरल यूज में भी यूज करते हैं कि हिज एक्शन लुक्स वेरी सस्पिशियस तो आंसर क्या रहने वाला है यहां पर सस्पिशियस रहने वाला है यस आंसर नंबर डी इज क्वाइट ओके चलो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ सिक्सटीन कैन बी ट्राइड ओनली बाय द कोर्ट ठीक है जो 16 से नीचे जो एज के बच्चे होते हैं तो कौन सी कोर्ट है जो उनको डील करती है मतलब कौन सी कोर्ट है जो उनको डील करती है सुप्रीम कोर्ट उनको डील करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको डील करती है हाई कोर्ट उनको डील करती है या जुविनाइल कोर्ट उनको डील करती है आई थिंक ये कुछ बच्चों के लिए नया क्वेश्चन होगा ठीक है थैंक यू सो मच रुचि जुविनाइल कोर्ट का मतलब क्या होता है जुविनाइल कोर्ट होता है जो किशोरों के लिए है ना जो बच्चों के लिए जो कोर्ट होती है ना उसको जुवेनाइल कोर्ट बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ध्यान रखना आंसर रहेगा जुविनाइल कोर्ट ठीक है तो आंसर क्या रहने वाला है भाई जुवेनाइल कोर्ट यस आगे बहुत सारे नए क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट देखिएगा द मैंगो वॉज डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स महिला पुलिस कॉन्स्टेबल का क्वेश्चन है ये द मैंगो वॉज डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स जो मैंगो है वो दो भाइयों में वितरित किया गया है अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझिएगा जब भी किसी चीज को दो में वितरित किया जाता है जब भी किसी चीज को हम दो में डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमेशा बिटमिन आता है ठीक है और जब भी दो से ज्यादा में डिवाइड करते हैं जब भी किसी चीज़ को दो में डिवाइड करते हैं तो हमेशा बिटवीन लगता है जब भी किसी चीज को दो से ज्यादा में डिवाइड करते हैं तो वहां पर हमेशा क्या लगता है भाई वहां पर हमेशा अमंग लगता है ठीक है तो मैंगो वाज डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स कह रहा भाई मैंगो को दो भाइयों में ही डिवाइड किया गया तो क्या भरोगे यहां पर हाँ यस बिल्कुल सही तो यहां पर क्या भरोगे भाई विटमिन यहां पर भरने वाले हो यस बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स डिसेंट जाट अच्छे अच्छे नाम रख लेते हैं अपने नाम नहीं रखते हैं ना चलो नेक्स्ट है द बॉय फेल डैश बाइस्किल अच्छा क्वेश्चन है कुछ बच्चे यहां पर पक्का इसको गलत करने वाले हैं फटाफट फड़ आंसर दो तो क्या भरोगे द बॉय फेल डैश बाइस्किल ट्राई टू गिव आंसर बिफोर मी हम्म देखिएगा द बॉय फेल डैश बाइस्किल बच्चा बाइक साइकिल से गिर गया तो ध्यान से सुनिएगा जब भी आप किसी चीज से फटाफट फड़ गिरते हो ठीक है जब भी आप किसी चीज से फटाफट फड़ गिर जाते हो तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं ये एक फ्रेजल है ये एक फ्रेज है फैलोफ ठीक है जब भी किसी चीज़ से अन इंटेंशनली आप गिर जाते हो अचानक से किसी चीज़, चीज़ से गिर जाते हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लगाने वाले हैं फ्रॉम साइकिल है, है ना फ्रॉम तो तब होता है जब आप प्लान होते हो कि मैं वहां से यहाँ आ गया है ना कि भाई मैं यहां से वहां पढ़ा रही हूँ तो प्लान कुछ कर रहे हो डेट इज फ्रॉम बट अन इंटेंशनली कोई भी चीज़ जब होती है एकदम से तो वहां पर आपको ध्यान रखना है हुँ. तो यदि आपको ध्यान रखना है तो यहां पर जो आपका आएगा फेल ऑफ ठीक है यहां पर आपका सेंटेंस क्या आएगा फेल ऑफ आएगा हम्म तो यहां पर आपका सेंटेंस क्या आएगा भाई फेल ऑफ यस yes, बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखिएगा कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट तो यहां पर आपको एक वर्ब की फॉर्म है बतानी है क्या फिल करोगे आई लाइक टू डैश वैन आई एम टायर्ड भाई जब भी मैं थका होता हूं तो मुझे गाने वाने गाने का बहुत शौक है ये बिल्कुल मेरे ऊपर ही सेंटेंस बना है मुझे सुनने का शौक है क्योंकि गाने की तो शौक है नहीं आवाज बाथरूम सिंगर है इसलिए तो आई लाइक टू डैश सिंग तो आई लाइक टू तो टू जब आ जाता है तो टू के बाद हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव आपने सुना होगा टू इन का मतलब होता है वी वन, है? का मतलब होता है 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 ठीक का मतलब तो टू के बाद आता है है तो आई लाइक टू टू सिंग ठीक जहां भी आए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है ठीक है टू जहां पर आए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है फटाफट आप क्या भर दोगे भाई सिंग भर दोगे ठीक है हाँ शाबाश सबका आंसर सही है बिल्कुल नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट एक एरर वाला क्वेश्चन है दे रिफ्यूज डैश स्टेइंग इन दैट होटल एज इट वॉज टू क्राउडेड नो एरर ये कह रहा है भाई दे रिफ्यूज डैश स्टेइंग इन दैट होटल इट वॉज टू क्राउडेड नो एरर अब देखिए दे रिफ्यूज उन्होंने मना कर दिया किस चीज से स्टेइंग जो स्टे वर्ब होता है जो स्टे वर्ब होता है वो टू इन्फिनेटिव होता है तो दे रिफ्यूज टू स्टे ठीक है तो दे रिफ्यूज टू स्टे आएगा यहां पर दे रिफ्यूज टू स्टे इन दै होटल इट वॉज क्राउडेड तो यहां पर स्टेइंग जो है गलत है स्टेइंग नहीं होता टू स्टे होता है ठीक है स्टे वर आई एन जी को फॉलो नहीं करती तो क्या होगा भाई टू स्टे हाँ यस yes, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो तो टू स्टे यहां पर हुँ. होगा यहां पर ठीक है नेक्स्ट देखिएगा म द ट्रूथ ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ध्यान से सुनेगा। मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं पेपर में क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि आई है ठीक है उनको लगता है आई आ गया तो भाई आई के बाद तो सिंगलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए मैडम आई तो मतलब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगलर ही लगाऊंगा मैं यहाँ पर बट ध्यान से सुनना जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस है जब भी कोई ऐसी बात है अनफुलफिल्ड वाली टाइप की कब भी बात होती है तो आई के साथ हमेशा वर फॉलो करेगा ठीक है तो इस बात को गांठ बांध लेना तो आई के साथ वर फॉलो करेगा राहुल आ, देखो बेटा अभी एकदम से सारे टॉपिक्स करवाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आ, बाकी मैं कोशिश करूंगी जो भी क्वेश्चन दू उसके साथ उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट बता दू ठीक है हाँ बाकी बाद में यदि आपको देखना है तो मेरे चैनल पर इंग्लिश की मैराथन है एक साथ करवाने की देखो इफ आई डैश यू आई टोल्ड हिम दुथ ये कहता है हाँ आप वो मैराथन जरूर देख लाना ग्रुप डी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एच एस एल सी की हर एग्जाम में एक दस घंटे की क्लास और एक पांच घंटे की पंद्रह घंटे की टोटल क्लास तो इफ आई वर तो ध्यान रखना यहां पर क्या आंसर आएगा भाई यहां पर आंसर आने वाला है वर इफ आई वर यू ठीक है तो इफ आई वर यू तो यहां पर वर आएगा ध्यान रखें बहुत बार आता है ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा राम वॉज अपॉइंटेड डैश क्लर्क अब राम वॉज अपॉइंटेड डैश क्लर्क ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ध्यान से समझिएगा फटाफट फड़ बताओ यहां पर क्या भरोगे पहले मैं देखती हूं तुम्हें कॉन्सेप्ट कितना आता है फटाफट फड़ बताइए यहां पर क्या भरोगे हम्म यहां पर क्या भरेंगे यहां पर क्या भरोगे राम वॉज अपॉइंटेड डैश क्लर्क से सुनिएगा आपको लगता है कि क्लर्क है प्रिंसिपल है ये जब भी पोस्ट आती है तो हम द आर्टिकल यूज करते हैं ना ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ऐसे बोलते हैं ना हम बट ध्यान से सुनिएगा जब इनके आगे कभी भी अपॉइंटेड आ जाए सिलेक्टेड आ जाए ठीक है जब इनके आगे कहीं भी अपॉइंटेड आ जाता है सिलेक्टेड आ जाता है इस तरीके के शब्द आपको कहीं भी मिले आर्टिकल में ठीक है किसी भी पोस्ट या किसी भी आर्टिकल में इस तरीके के शब्द आपको मिलते हैं तो मेक श्योर वहां पर जीरो आर्टिकल आता है है ठीक इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ आर्टिकल का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है ये वाला रूल बहुत आता है एक तो ठीक है अपॉइंटेड सिलेक्टेड वाला एक ये वाला रूल बहुत आता है जब आप किसी चीज के प्राइमरी पर्पज पर जाते हो ठीक है किसी चीज के प्राइमरी पर्पज पर जाते हो तो वहां पर आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं और सेकेंडरी पर्पज पर जाते हो तो आर्टिकल लगाते हैं जैसे मैं कहूं ही गोस टू द स्कूल आप ध्यान से सुनिएगा तो यहां पर यह दाग गलत है ठीक है यहाँ पर ये दा गलत है क्योंकि ही गोस टू स्कूल आएगा अब भाई वो स्कूल जाता है तो रोज ही स्कूल जा रहा है बेचारा या तो पढ़ने जा रहा होगा या पढ़ाने जा रहा होगा है ना या मास्टर है तो पीटने जा रहा होगा बच्चे हैं तो पिटने जा रहे होंगे बट आजकल तो खत्म हो गई ये पीटने पुटने वाली कलाएं अब देखो ही गोस टू द स्कूल आप किसी काम को डेली करते हो मतलब कोई काम ऐसा है जो प्राइमरी पर्पज है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कोई आर्टिकल नहीं आएगा मैं कहूँ ही गोस टू स्कूल टू मीट हिज सन टू मीट हिज सन अब भाई वो कह रहा है कि वो अपने बेटे से मिलने स्कूल जा रहा है ठीक है वो क्या कह रहा है कि वो अपने बेटे से मिलने स्कूल जा रहा है अब उसका स्कूल जाने का पर्पज ना तो पढ़ना है ना ही पढ़ाना है अपने बेटे के लिए जाना है अब वो अपने बेटे के लिए जा रहा है तो डेफिनेटली यहां पर क्या आएगा भाई द तो ध्यान रखना कोई भी चीज को जब आप प्राइमरी पर्पस के लिए करते हो तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं और किसी भी चीज को जब आप सेकेंडरी पर्पस के लिए करते हो तो वहां पर आप द आर्टिकल को यूज करते हैं इसी तरीके से ये बहुत आता है लैंग्वेज वाला बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज वाला जैसे मैं कहूं डैश इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज ठीक है अगला है इंग्लिश आर कनिंग अब यहां पर फटाफट फड़ भरा बताओ फटाफट फड़ से आप क्या भरोगे यस हां फटाफट से बताइए फटाफट -फड़ बताइए कि यहां पर आप क्या भरने वाले हो डैश इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज ध्यान से सुनिएगा जब भी आपको कभी लैंग्वेजेस आ जाए ठीक है जब भी आपको किसी लैंग्वेज का नाम आ जाता है तो लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है ठीक है जब भी आपको लैंग्वेज का नाम आता है तो लैंग्वेज से पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है तो यहां पर आप आर्टिकल को नहीं लगाने वाले हैं ठीक है डैश इंग्लिश आर कनिंग अब मैंने कहा इंग्लिश आर कनिंग अब देखो भाई अब बच्चे कहेंगे मुझे कैसे पता ये भाषा है या अंग्रेजी है मतलब ये आदमी है अब ध्यान से देखो इंग्लिश आर कनिंग कनिंग का मतलब होता ध्रुत अब भाई अंग्रेज लोग क्या है कनिंग है अब भाई अंग्रेजी भाषा थोड़ी ना कनिंग है अंग्रेजी भाषा तो बहुत अच्छी है ना अंग्रेज ही कनिंग है ना तो यहां पर क्या आएगा द इंग्लिश ठीक है इंग्लिश इसी तरीके से कोई मटेरियल नाउन होता है किसी भी तरीके का मटेरियल नाउन है गोल्ड सिल्वर ये वो एक्सेट्रा उसके आगे हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगते हैं लेकिन जब उस मटेरियल नाउन को स्पेसिफाइड कर देते हैं ठीक है जैसे मैं कहूं आई बॉट गोल्ड ठीक है मैंने यहां पर लिखा मैंने यहां पर लिखा आई बॉट गोल्ड आई बॉट गोल्ड अब यह ऐसे फिलअप होगा ठीक है आई बॉट डैश I bought। आप ध्यान से देखिएगा बस यहां से आप कॉन्सेप्ट समझ लो दा कहां यूज करते हैं नहीं कहीं यूज करते हैं जैसे मैंने कहा आई बॉट गोल्ड मैंने सोना खरीदा तो सोना यहां पर क्या है भाई मटीरियल नाउन है सबको गुड इवनिंग सोना यहां पर क्या है मटीरियल नाउन है अब आई बॉट डैश गोल्ड अब भाई मैंने सोना खरीदा है मतलब मैंने एक धातु खरीदी है एक मटेरियल खरीदा है तो मटेरियल के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है ठीक है मैंने धातु खरीदा है मैंने मटेरियल खरीदा है तो मटेरियल के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है तो यहाँ पर ब्लैंक हो गया बट आई बॉट डेट गोल्ड रिंग अब मैंने यहाँ गोल्ड नहीं खरीदा है यहाँ सोने की एक अंगूठी खरीदनी है दोबारा खरीदने का टाइम आ, तो, आ रहा है लड़कियों का तो है ना आ रहा होगा भाई अब करवा चौथ आ रहा है लड़की बेचारी बाना मिल जाएगा दिलवा दो जी वैसे तो दिलवाते नहीं करवा चौथ है भूखी मर रही हूँ सारे दिन से है तो अब दिन आ गया तुम्हारा एक गोल्ड रिंग खरीदने का तो आई बॉट डैश गोल्ड रिंग तो अब पर क्या है भाई सोना नहीं खरीदा जा रहा सोने की अंगूठी खरीदी जा रही है तो क्या लगाओगे ए गोल्ड रिंग तो क्या लगाओगे ए गोल्ड रिंग अब यहाँ पर देखिए आई बॉट डैश गोल्ड रिंग सिलेक्टेड बाय यू कि भाई मैंने सोने की अंगूठी खरीदी है अब ध्यान से सुनिए भाई मैंने अब रिंग खरीदी है लेकिन कौन सी वाली रिंग खरीदी है जो जबरदस्ती तेरे से पसंद करवाई थी है ना भाई दिलवानी पड़ेगी बहुत ओलिया तो ये जो रिंग खरीदी है मैंने तो यहां पर जो रिंग है वो कौन सी रिंग है भाई स्पेशल रिंग है अब स्पेशल रिंग है तो डेफिनेटली यहां पर क्या आएगा यहां पर द आएगा आपको ध्यान रखना है जब भी भी आप किसी चीज को स्पेशल बना देते हो तो हम द आर्टिकल लगाते हो ठीक है जब भी भी आप किसी चीज को स्पेशल बना देते हो तो द आर्टिकल लगा देते हो और जब भी चीज़ को सिंपल है तो हम क्या लगाते हैं भाई ये आर्टिकल लगाते हैं तो बेसिकली इन रूल्स में से खाता रूल मे भी होप्स आपका एग्जाम में देखने को मिले अब एकदम बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है लैक ऑफ टाइम क्योंकि आगे भी मेरी क्लास है ये तो बस मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे सर देख लो कितने अच्छे हैं वैसे यू गाइज आर लक्की भाई आ, सर बहुत सोचते हैं आप लोगों के लिए नहीं तो सर को क्या ही दिक्कत थी बट सर ने कहा नहीं मैडम मेरी एकेडमी के बच्चों का इंग्लिश होना चाहिए जरूर देखो कितना सोचते हैं आपके लिए आपके टीचर नेक्स्ट है राम गेव मी डैश वन रूपी नोट राम ने एक रुपया का नोट दिया है ना तुम एक रुपये ही लायक थे तो सोने की रिंग का इरादा खत्म अब तुम्हें एक रुपया मिलेगा अब ध्यान से देखिएगा राम गेव मी डैश वन रूपी नोट पति कह पेपर ऊपर पास करती नहीं सोने की रिंग मांग रही है एक रुपया बहुत है अब ध्यान से देखो राम गे मी डैश वन रूपी नोट अब वन रूपी नोट मिल रहा है तो ध्यान से देखना वन के आगे हमेशा ए लगाते ए वन रूपी नोट है ना खाली वन हो ध्यान से देखना खाली वन हो और फिर आपका ब्लैंक आ जाए तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे जैसे मैं कहूं वन डे आई सोए लोन आई सोए लोन अब यहां पर आप, आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे ठीक है यहां पर आप किसी भी तरीके का आर्टिकल यूज नहीं करोगे ध्यान रखिएगा इस चीज का और यहां पर आप क्या आर्टिकल यूज करोगे ए आर्टिकल को यूज करने वाले हो क्लियर हुआ भाई क्लियर हुआ वेरी गुड यस सबका आंसर सही है

डस्क होता है जब सूर्य छिपता है वो वाला टाइम होता है तो एक लड़का बेचारा गाना गा रहा है मधुर सुबह सुबह सूरज को देख के गाना गा रहा है मजे कर रहा है तो फटाफट -फड़ बताओ यहाँ पर क्या आंसर करोगे यस बिल्कुल सही है यस तो यहाँ पर क्या आएगा भाई ए बॉय ध्यान से सुनेगा जब भी आप किसी नाउन को जब भी आप किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है ये क्वेश्चन है कहने में लेकिन जो बच्चा ध्यान से इन क्वेश्चंस की क्लास को भी अच्छे से समझेगा तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट को आपको मिलेगा ठीक है आप, देखेगा, boy, जब भी किसी नाउन को आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर करते हो तो हमेशा ए आर्टिकल लगाते हैं ठीक है हमेशा ए आर्टिकल लगाते हैं लेकिन यदि वो नाउन स्पेशल हो यदि जैसे मैं कहूं आई सौ डैश गर्ल अब देखो पहली बार आपके सामने गर्ल आई है अब लड़की आ गई पहली बार तो आई सा ए गर्ल ये नहीं है लड़की को देख के नाउन प्रोनाउन लगाना ही भूल जाओ ठीक है पहली बार लड़की आई है तो क्या लगाओगे भाई तो तो पहली बार लड़की आई है तो लगाओगे ठीक है अब आई गर्ल मैं कहूं आई सा गर्ल वेयर वाइट ड्रेस अब ध्यान से देखिए फिर से तुम्हें लड़की दिखी है ना अब फिर से ग्रुप डी वालों को दिखा देते हैं लड़की लड़की थोड़ा खुश हो जाएंगे बेचारे पढ़ पुढ़ पेपर ऊपर पास जाएगा तो लड़कियों की लाइन लगेगी हैं अब ध्यान से देखियो आई सा डैश गर्ल हु वर वाइट ड्रेस अब भाई तुमने फिर से लड़की देखी बट अब कौन सी लड़की देखी भाई जो सफेद रंग के कपड़े पहन रही थी भूतनी भूतनी से बन रही थी अब वो सफेद रंग के कपड़े पहन रही थी ध्यान से मेरी बात को समझना अब वो बेचारी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रहे थे इसलिए वो स्पेशल लड़की थी जो तुमने देखी भूतनी है तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लगाएंगे यहां पर हम क्या लगाएंगे पर हम द आर्टिकल लगाएंगे ठीक है यहां पर हम द आर्टिकल लगाएंगे, लगाएंगे और मैं कहूं आई आय गर्ल फिर आगे सेंटेंस को करूं गर्ल अब पर देखे, I गर्ल, डैश गर्ल वॉज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और वो लड़की सुंदर थी तो यहां पर देखो गर्ल दोबारा आ गया पहली बार इंट्रोड्यूस किया ए आर्टिकल अब दोबारा इंट्रोड्यूस किया मतलब आप उसको जानते हो अब तो यहां पर क्या लगाएंगे द आई आय गर्ल द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल ठीक है जब भी स्पेशल लड़की है तो दा लगाओगे है ना अब ये नहीं है कि अपनी वाली लड़की को स्पेशल बना के दा लगा दो पहली बार आपके सामने कोई नाउन आए तो आपको ध्यान रखना है आपने ए आर्टिकल भरना है यदि वो नाउन रिपीट होता है तो द आर्टिकल भरना है लेकिन नाउन पहली बार आए बट उसको स्पेशल बना रखा हो पहली बार के ही सेंटेंस में जैसे इसमें बना रखा है तो क्या आएगा भाई तो आपका डा द आर्टिकल आएगा ठीक है तो क्या आएगा भाई द आर्टिकल आएगा तो

एग्जाम्पल समझाने के लिए था कि भाई हरियाणा वालों की एक फिलोसफी होती है अंग्रेजी बड़ी बोरिंग होती है और मैंने इसको मिटाने का मतलब प्रण कर रखा है कि इंग्लिश रियली इंटरेस्टिंग लैंग्वेज होती है बस पढ़ाने वाला बोरिंग नहीं होना चाहिए इंग्लिश को नेक्स्ट देखिएगा द पुलिस डैश पीपल इन द नेबरहुड सिंस लास्ट वीक अब सिंस के बाद टाइम इंडिकेशन है बस मैंने तुम्हें पहले ही बताया था सिंस के बाद टाइम इंडिकेशन है ध्यान से सुनिएगा सिंस के बाद यदि आपको वी टू मिल जाए सिंस के बाद बच्चे यहां पर ही अक्सर गलती करते हैं एग्जाम में क्योंकि आपने रट रखा होता है सिंस सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रट रट लेते हैं हम किसी भी चीज को since आ जाए तो आंख बंद करके लगा दो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बट ध्यान से सुनिएगा सिंस के बाद यदि वी टू आ जाता है सिंस के बाद यदि वी टू आ जाता है तो वहां पर जो आगे आपको ब्लैंक मिलेगा उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना होता है प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज है थ्री ठीक है तो वहां पर आपको क्या भरना होता है भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना होता है ध्यान रखिएगा इस चीज का अब यहां पर देखिएगा सिंस के बाद जब टाइम टाइम आए आए ना बस ध्यान रखना टाइम आए, तभी वहां पर परफेक्ट uh, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस भरा जाता है टाइम भी होना चाहिए टाइम जरूर मैंशन होना चाहिए हाँ थैंक यू सो मच जस्ट यू ये है ना मुझे बड़ा अजीब लगता है भाई तुम्हें अपने नाम से प्रेम नहीं है क्या तुम अपना नाम रखा करो जस्ट यू मतलब यार अपने नाम से अच्छा क्या है निशा शर्मा आई लव माई नेम पढ़ ले ले अपना नाम लिख देखो अब से सुनिएगा पुलिस जो है प्लूरल नाउन होता है तो प्लुरल नाउन होता है तो ये इसके आगे आएगा कि हाउ बीन इंटेरोगेटिंग ठीक है तो पुलिस के आगे पुलिस प्लूरल में काउंट होता है तो हाव बीन इंटेरोगेटिंग ठीक है ये देखने में तो क्या लग रहा है भाई पुलिस है लेकिन पुलिस आ, मतलब प्लूरल में काउंट होता है तो हैव हाँ बीन इंटेरोगेटिंग आएगा आंसर रहेगा ए ठीक है नेक्स्ट देखिए आई डैश टेलीविजन अलॉट बट डोंट एनी मोर भाई मैं बहुत पहले टीवी देखा करता था बट अब नहीं देखता हाँ हम बहुत पहले टीवी देखते थे बट अब नहीं देखते हम भाई अब जमाने चले गए टीवी देखने के अब एग्जाम का प्रेशर है टीवी कहां से देखेंगे तो आई डैश टेलीविजन अलॉट तो पहले मैं बहुत टीवी देखा था जब भी आपको कोई पास्ट की हैबिट हो कोई भी ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें कोई ऐसी बात होती है कि जो पहले तो करते थे बट अब नहीं करते आई यूज टू स्मोक आई यूज टू स्टेयर द गर्ल्स बट अब नहीं करते सिंसियर हो गए अब तो तुम्हारा टारगेट पढ़ाई है बिल्कुल पढ़ाई होना चाहिए पढ़ना ही जिंदगी है पढ़ना ही सब कुछ है फैक्ट इज डेट कि आपके पेरेंट्स का ड्रीम जिस दिन आप सिलेक्ट हो गए ना चाहे वो कोई भी पोस्ट है जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है वो खुशी जो आपके पेरेंट्स के चेहरे पर आएगी दुनिया में उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता तो जस्ट फोकस ऑन डैट रिजल्ट ठीक है आई डैश टेलीविजन एलॉट बट डोंट मोर तो भाई आई यूज टू ध्यान रखना जब भी कोई काम ऐसा आप करो कि पहले तो करते थे बट अब नहीं करते हैं तो वहां पर हमेशा यूज टू यूज होता है ये मॉडल्स है तो आई यूज टू वॉच और ध्यान रखना कभी भी कोई भी मॉडल्स आ जाए उसके बाद हमेशा वी वन आता है ठीक है कोई भी मॉडल्स आ जाए हर मॉडल्स के बाद आपको हमेशा वी वन यूज करना है ठीक है तो मॉडल्स ऑलवेज फॉलो V1 ठीक है तो मॉडल्स क्या है ऑलवेज फॉलो V1 को फॉलो करेंगे तो यहां पर आपको ए आंसर करना है ठीक है क्या करना है ए आंसर करना है नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ अभी अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाया तो आपको ये एग्जांपल दिया था इस तरीके का देखती हूं कितना याद है फटाफट -फड़ इसका आंसर कीजिएगा फटाफट बताइए फटाफट बताइएगा यस्टरडे इवनिंग द फोन डैश थ्री टाइम्स वाइल वी वर हैविंग डिनर अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर टू करवाया था तब यस्टरडे अगो इस तरीके के सेंटेंस आ जाए मुकेश मैं ये पीडीएफ सर को शेयर कर दूंगी है ना दीवान सर को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी दीवान सर अपने टेलीग्राम पर आपको ये शेयर कर देंगे और अचीवर्स अकेडमी वालों के लिए अचीवर्स अकेडमी टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी ठीक है तो सर को भी भेज दूंगी सर अपने चैनल पर शेयर कर देंगे आपको देखिएगा और मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सर की बुक में से ही है आपके सर की बुक में से ही है ठीक है ना देखिएगा यस्टरडे इवनिंग द पुलिस डैश थ्री टाइम्स वाइल वी हैविंग डिनर तो डे आ गया तो यस सबने आंसर सही दिया वेरी गुड शबास इसका मतलब तुम सीख रहे हो समझ रहे हो वेरी गुड तो आंसर रहेगा भाई रंग कुछ भी तुक्का मारने की कोशिश मत करना यस्टरडे लास्ट डे अगो कोई भी फिक्स टाइम जैसे 2009 2010 इस तरीके का कुछ भी फिक्स टाइम आ जाए बिना सिंस सीन्सफोर के है ना 2009 के साथ सिंस सिंसफोर आ जाए तो नहीं तो हम वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है यहां पर आपका ये क्लियर चलो नेक्स्ट देखिएगा पहले है ना तुम फटाफट फड़ वीडियो ना शेयर करके आओ भाई सारे जने एक बार अपने अपने स्टेटस पे पता है क्या मजा नहीं आता वन के लाइव देखना अच्छा लगता है मुझे बढ़ाते हुए है ना तुम बहुत कम देख रहे हो एक बार फटाफट शेयर कराओ सारे वैसे देखो तुम सारे दिन कुछ कुछ शेयर करते हो ना कभी तुम अपने इधर मुंह बनाते हो कभी इधर मुंह बनाते हो सारे दिन सेल्फी अपने स्टेटस पे लगाते रहते हो ये क्लास किसी की हेल्प हो रही है तो इसको अपने स्टेटस पे लगा के आ जाओ फटाफट है चलो अब देखिए फिलिंग इन द ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्क ही विल अनलॉक द डोर वेन ही डैश हेयर अब ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये यहां से आपको स्पेशल सीखने को मिलने वाला है ठीक है तो यहां पर आपको सीखने को मिलेगा ध्यान से देखिएगा डोर when ही ये कंडीशनल का उदाहरण है और आपके हर एक, 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 एक में में लगभग लगभग ये आया हुआ है 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 ध्यान से सुनिए तीन तीन ही ज़्यादा चक्कर की ज़रूरत नहीं तीन है। याद कर लो कंडीशनल सेंटेंस नहीं करके आओगे ठीक है कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में आपको दो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है कंडीशन है यदि आप मेहनत करोगे तो आप पास होगे ठीक है अब मेहनत ही नहीं करोगे तो भाई आप पास कहां से होगे है ना यदि तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो तुम कहाँ से पास हो जाओगे यू टाइम पास करते करते थोड़ी ना पास होगी शिद्दत से जो पढ़ रहा है रिजल्ट तो उसी का आता है, है ना एक टीचर हजार बच्चों को पढ़ाती है लेकिन शिद्दत से पढ़ने वाला बच्चा अलग ही दिखता है, है ना वो टॉपर होता है बाकी फिर वो थोड़ा वो कहता है ना इधर उधर थोड़ा 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 करके आते हैं पास हो जाते हैं बेचारे बड़े मुश्किल से तो पढ़ा करो अब देखो कंडीशन का मतलब यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा तो इसके अंदर आपको हमेशा दो सेंटेंस मिलेंगे ठीक है कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दो सेंटेंस मिलेंगे आपको सीधी सी बात है तभी तो कंडीशन बनोगी ना ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा तो ऐसा होगा ठीक है हाँ यदि तुम्हारा पेपर पास होगा तुम नौकरी मिलोगे तुम्हें नौकरी लगेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी तो ऐसा होगा तभी ऐसा होगा तो कहने का मतलब यहां पर क्या होता है इफ क्लोज मतलब इफ वाला सेंटेंस होता है इफ वाले सेंटेंस में मतलब आपको सिंपल सा याद रखना है यदि आपको एक साइड यदि आपको एक साइड सिंपल प्रेजेंट मिल जाए सिंपल प्रेजेंट का मतलब आपको V1 मिल जाए तो दूसरी साइड आप फ्यूचर भरते हो ठीक है तो दूसरी साइड आप फ्यूचर भरते हो मतलब आप विल भरते हो ठीक है यदि आपको इधर साइड V1 मिल जाए मतलब वर्क की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए मतलब प्रेजेंट टेंस मिल जाए मतलब एक सेंटेंस में टेंस मिल जाए तो दूसरे में आप फ्यूचर भर देना कंडीशनल सेंटेंस है तो एक सेंटेंस में वी है मतलब एक सेंटेंस में आपको कुछ भी पास्ट का इंडिकेशन मिल जाए एक सेंटेंस में आपको कुछ भी पास्ट का इंडिकेशन मिल जाता है हा तो एक सेंटेंस में आपको पास्ट का इंडिकेशन मिल जाता है तो दूसरे में आप हमेशा वुड प्लस वी वन भरोगे ठीक है वुड आपको पता है एक मॉडल्स है और वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मतलब मॉडल्स के साथ चाहे दुनिया का कोई भी मॉडल है थर्टीन मॉडल होते हैं आपको पता है मॉडल्स आर द काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब

वुड हैव प्लस वी थ्री है बस ये तीन रूल आप दिमाग में गांठ बांध रो और एक होता है until or, unless वाला. Until और वाला किसी टाइम की कंडीशन तो शलविल भर देना है एक साइड आपको पास्ट मिले तो आपने दूसरी साइड वुड प्लस वी वन भर देना है एक साइड आपको हेड प्लस वी थ्री मिले तो दूसरी साइड आपको वुड हैव प्लस वी थ्री भर देना है तो दूसरी साइड आपको क्या भर देना है भाई वुड है

तो पर देखिए ही विल अनलॉक द डोर वैन ही डैट हेयर फटाफट बता दो अब क्या भरोगे इसमें हम्म hmm. तो ये रूल नंबर को उल्टा करके रख दिया कोई दिक्कत नहीं है यदि वो ये लिख देता वेन ही गेट्स हेयर एक ही बात थी ठीक है तो विल भरा है आपको दिमाग से सोच लो इधर विल भरा है तो इधर क्या भरना है टेंस इसको चाहे ऐसे लिख दो वी वन प्लस फ्यूचर वो पेपर वाले की मर्जी है वो किस तरीके से चिपका रहा है सेंटेंस को ठीक है वो पेपर वाले की मर्जी है हाँ तो वो क्या है भाई पेपर वाले की मर्जी है कि वो सेंटेंस को किस तरीके से दे रहा है तो ही विल अनलॉक द डोर वैन ही तो यहां पर क्या आएगा भाई गेट्स ठीक है तो वो क्या आएगा यहां पर गेट्स हम्म क्लियर तो आंसर क्या आएगा गेट्स यस yes, रोनक बिल्कुल सही चलिए आगे चलते हैं आगे है राहुल इज हैप्पी एज हिज अंकल इज डैश टूमारो ठीक है राहुल बड़ा खुश है कल अंकल आएगा केले लेके आएगा पहले जमाने में जैसे मामा लाते थे मामा आ गया केले ले आया अब भाई ये कह रहा है राहुल इज हैप्पी एज इज अंकल इज राहुल बड़ा खुश है भाई कल अंकल आएंगे अंकल आ गए अंकल आ गए है ना तो ये आपको पता है अंकल कल आ रहे हैं अब ये सेंटेंस है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस सेंटेंस में एक हिंट छुपा है और मुझे नहीं लगता इसको कोई भी गलत करने वाले हो हाँ अब यहां पर देखेगा राहुल इज इज हैप्पी एज अंकल इज देखो राहुल खुश है क्योंकि उसके अंकल आ रहे हैं कल अब यहां पर एक हिंट दिया हुआ है अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम टुमारो लगा है तो फ्यूचर टेंस आएगा कुछ बच्चे कहेंगे टुमारो है तो मैडम यहां पर तो फ्यूचर टेंस आएगा लेकिन मैंने आपको समझा रखी है बहुत सारी चीजें जो रेगुलर पढ़ते हैं मुझसे टुमारो आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में मिलता है जब नियर फ्यूचर की बात हो कि कल अंकल आएंगे नियर फ्यूचर के अंदर हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं ठीक है और यहां पर तो पेपर वाले ने तुम्हें हिंट परोस के दे दिया ध्यान से सुनना जब भी आपको यहां पर इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको पता है इज एमारोज वर्ल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं तो सोचने की जरूरत ही नहीं है इस बंदे ने तो तुम्हें आंसर ही दे दिया सेंटेंस में महिला कॉन्स्टेबल में ठीक है उन्होंने सोचा यार लड़कियां बेचारी दुखी नहीं होगी हिंट दे देता हूं तो इज दे दिया यहां पर हिंट और यहां पर क्या है भाई फिर इज आ गया तो कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा तो आंसर रहेगा अराइविंग यस बिल्कुल सही है अराइविंग जिन्होंने भी आंसर किया है बिल्कुल सही है सी नेक्स्ट देखिएगा ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है है ठीक एक्टिव वॉइस वॉइस पैसिव आपके एग्जाम में जरूर आएगा हंड्रेड परसेंट आएगा ठीक है एक्टिव वॉइस वॉइस पैसिव आपके एग्जाम में जरूर आना है शॉर्टकट भी बताती हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ ध्यान से देखिएगा गरिमा हैज रिटर्न ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑन द इनोग्रेशन ऑफ ए न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस जब भी आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हो तो मेक श्योर sure दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस कभी चेंज नहीं होता है ठीक है एक्टिव वॉइस, वॉइस में टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है जब आप एक्टिव वॉइस वॉइस करते हो तो ध्यान रखना टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है टेंस चेंज नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ आपको दिमाग में यह याद रखना है कि जो टेंस यहां पर है जो टेंस यहां पर आपके सेंटेंस में होगा आपके आंसर में भी वही टेंस होगा ठीक है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हुए कभी भी टेंस चेंज नहीं होता कभी भी उसकी सेंस चेंज नहीं होता जब आप नरेशन करते हो तो नरेशन में टेंस हमेशा चेंज होता है बट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है ध्यान रखें इस चीज को गरिमा हैज रिटन ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑन द इनोग्रेशन ऑफ ए न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस ठीक है ये कह रहा है कि गरिमा है हैज रिटर्न ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑन द इनोग्रेशन ऑफ ए न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस ठीक है अब न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस पे गरिमा बेचारी क्या कर रही है भाई एक रिपोर्ट लिख रही है तो आपको ध्यान रखना हैज है तो हैज ही मिलेगा हैज रिटर्न है तो हैज बीन रिटर्न आपको मिलने वाला है यहां पर तो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूं यदि आपने अब तक भी नहीं पढ़ा तो जाके ऑप्शन में उठा लो हैज बीन पर है तो यहां पर हैव बीन है तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ए सेंटें रिपोर्ट हैड हैड बीन क्यों कर दिया भाई टेंस तो चेंज ही नहीं करना इसका मतलब बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं ठीक है यहां पर इज रिटर्न कर दिया हेल्पिंग वर्ब भी बदल दिया शॉर्टकट बता रही हूं आपको पेपर में कुछ ना समझ में आए फटाफट वही ऐसे कर लेना जिसने अब तक भी पढ़ाई नहीं करी है ठीक है हा तो यहां पर ये हो गया नेक्स्ट है ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑन द इनोग्रेशन ऑफ ए न्यू कॉरपोरेट ऑफिस है आप ध्यान पे देखिएगा ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑफ द इनोग्रेशन ऑफ न्यू कॉरपोरेट ऑफिस तो न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के आगे तो हैज ही लगाते हैं तो आंसर डी यहाँ पर सही रहेगा ए न्यूज पेपर रिपोर्ट आपने सीधा क्या करना होता है भाई जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो ऑब्जेक्ट को उठाना है गरिमा हैज रिटर्न ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑन द इनोग्रेशन तो क्या लिखेंगे ए न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑन द इनोग्रेशन ऑफ न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस ठीक है ये इतना बड़ा ही ऑब्जेक्ट है इसमें सारा उठा लिया फिर हैज फिर बीन फिर हमेशा जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो V3 मतलब V3 ही होता है तो रिटर्न वर्फ की थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा बाय लगाते हैं रिटर्न बाय और आंसर गरिमा ठीक है तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा क्या भाई जब भी परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव है तो बस आपको बीन ऐड करना है अपनी तरफ से ठीक है टेंस मत चेंज करना कोई हैज बीन का हैड बीन मत करना ठीक है डी yes, ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्लियर हा सिंगलर है तो इसलिए हेव हाँ भी नहीं आएगा इसलिए हेज हाँ बीन आया है ठीक है अगला है इसको समझना ये आपके एग्जाम में ग्रुप डी में मैंने बहुत बार देखा जितने भी लगभग लगभग मैंने आपके एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो सब में ये वाला टाइप बहुत आ रखा है ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक बहुत ही प्यारा सा टाइप है इसको ध्यान से समझिएगा ये दो तरीके से बनता है ये टाइप। ये टाइप टाइप है जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप करते हैं ना जैसे हम टेंस पढ़ते हैं tense पढ़ते हैं फिर इम्पेरेटिव पढ़ते हैं फिर ऑप्टेटिव पढ़ते हैं फिर लेट वाले पढ़ते हैं ऐसे मतलब बहुत सारे टाइप पढ़ते हैं तो उनमें से एक टाइप है टू ऑब्जेक्ट वाला एक देखो मी है और एक एक प्रेजेंट है ठीक है तो इनको हम बोलते हैं टू ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस आपके ग्रुप डी में मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे नरेशन के ये वॉइस नरेशन तो ज्यादातर या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से आए हुए हैं या टू ऑब्जेक्ट से तो इनको हम बोलते हैं टू ऑब्जेक्ट इनको एक बार बनाना सीख लो फटाफट ताकि आगे आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो जो टू ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होता है ये वाला जो सेंटेंस होता है इसको हम दो तरीके से बनाते हैं ठीक है जो टू ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होता है तो इसको हम दो तरीके से बनाते हैं पहला तरीका क्या होता है इस ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरा तरीका होता है इस ऑब्जेक्ट को बिठा के तो सबसे पहले हम ये लिविंग वाला ऑब्जेक्ट उठाएंगे मी वाला तो मी का हो जाएगा आई ठीक है सब्जेक्ट में आएगा क्योंकि मी क्या है ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का मी जब हम इसको सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये आई हो जाएगा तो आई ठीक है क्या लिखेंगे आई अब ये देखिए क्या है सेंट सेंट क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये क्या है भाई पास्ट है मैंने एक चीज बताई है बार बार रिपीट कर रही हूं जब आप वॉइस को बनाते हो तो टेंस चेंज करने की कोशिश मत करना बहुत सारे बच्चे टेंस चेंज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं आप टेंस यहां पर चेंज नहीं करेंगे यदि यहां पर सेंट है तो मतलब ये पास टेंस है तो आपने हेल्पिंग वर्ब भी पास टेंस की ही लगानी है तो आई वॉज सेंट थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी सेंट की सेंट ही रहती है आई वॉज सेंट ए प्रेजेंट आई वॉज सेंट ए प्रेजेंट फिर हम क्या लगाएंगे बाय फिर ही का क्या कर देंगे भाई हिम ठीक है ही का क्या कर देंगे हम हिम कर देंगे ठीक है ही का क्या कर देंगे him. I was sent a present by him, ठीक है आई वॉज सेंट ए प्रेजेंट बाय हिम पहला टाइप तो बनता है इसका ये दूसरा टाइप भी सीख लो क्योंकि पेपर में कोई भी टाइप आपको सही गिवन हो सकता है एक टाइप में छोटी मोटी गलती होगी दूसरा कोई भी टाइप आपको सही दिख सकता है पेपर में हम्म देखिएगा दूसरा क्या है इसको आगे उठाना ए प्रेजेंट को आगे उठाओ तो क्या लिखोगे ए प्रेजेंट ए प्रेजेंट वॉज सेंट अब ध्यान से देखिएगा इसके अंदर अब आपको ये दूसरा ऑब्जेक्ट लेना है मी इसमें एक चीज अपनी मर्जी से लगानी है जब भी आप ये दूसरा ऑब्जेक्ट उठाते हो तो इससे पहले आपने एक शब्द चिपकाना है ऐड करना है टू ठीक है तो एक शब्द यहां पर ऐड करना है जिसको हम बोलते हैं टू ध्यान रखना दिमाग में तो टू यहां पर ऐड करोगे इसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को लोगे टू मी, फिर लिखेंगे बाय और फिर लिखेंगे हिम ठीक है मतलब क्या है मतलब आप समझ गए होंगे मतलब क्या है कि टू ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे हाँ अब देखिएगा टू ऑब्जेक्ट जो भी बच्चे आपस में बातें करके मजे ले रहे हैं मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूंगी कि शायद आप मुझे जानते नहीं हो मैं जो नए नए स्टूडेंट है कि इन बातों में ना कुछ नहीं रखा होता जो तुम आपस में चैट करते हो ना ये सिर्फ तुम अपना समय बर्बाद करते हो ठीक है आपका समय बहुत बेशकीमती है ना सर ने कहा मैम क्लास लो स्टूडेंट्स को क्लास की जरूरत है तो मेरा मतलब इधर उधर की आपस की चैट में कुछ नहीं रखा होता जब आपके सामने यहाँ टीचर खड़ा है ना तो वो इस उम्मीद से खड़ा होता है यार जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इनको एग्जाम में हेल्प करें तो जब टीचर पढ़ा रहा हो तो पूरा फोकस उस उस क्लास क्लास में रखा करो करो और उस क्लास के आंसर्स को देने का ट्राई किया बजाय एक, एक दूसरे के कमेंट के आंसर्स को ठीक है तो शायद ये बात बहुत अच्छी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ते हैं और बाकी टाइम पास करो तो तुम्हारी मर्जी है भाई हम होते कौन है अब देखो ध्यान से ही सेंट मी ए प्रेजेंट तो समझ गए दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस अक्सर आता है, दोबारा रिपीट कर देती हूं जब भी आपको एक्टिव दो ऑब्जेक्ट हो एक मी ऑब्जेक्ट है एक पहला तरीका होता है एक को आगे उठाना, दूसरा तरीका होता है दूसरे ऑब्जेक्ट को आगे उठाना तो आपने आई मी को आगे उठाया तो मी का बन गया आई सेंट पास था तो यहां पर लिखा वॉज ठीक है तो यहां पर क्या लिखा भाई वॉज तो आई वॉज सेंट ए प्रेजेंट बाय हिम ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है अगला हम ए प्रेजेंट को उठाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई A present फिर पर था तो was बस इतना ध्यान रखना है जब हम इस वाले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो उससे पहले हम टू लगाएंगे बाय हिम अब आप यहां पर देखो किन चार ऑप्शंस में से कौन सा ठीक है तो चार ऑप्शंस में से आपको पता है ए प्रेजेंट इज इज क्यों लगाया भाई यहां पर क्या था ये सेंट था तो इज नहीं आएगा गलत है ए प्रेजेंट वाज सेंट टू मी बाय हिम तो आंसर रहेगा आपका बी ठीक है तो आंसर रहेगा आपका बी अब पेपर वाले की मर्जी है वो इस तरीके से बनाए या इस तरीके से बनाए दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए ठीक है हा हा बिल्कुल थोड़ी मजाक मस्ती तो होनी चाहिए भाई ऐसे मैं भी बोर करने वाली नहीं हूं टेंशन ना लो अभी तुम मुझे जानते का हो हम यू तो हम बहुत मजाक करते हैं बट मैंने एक सिंपल सी बात बोली है मजाक अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत और ज्यादा चैट अलग कॉन्सेप्ट है हाँ, चलो आगे चले अब क्वेश्चन आ गए थोड़े से लेवल वाले ठीक है अब तक तुम्हारा कुछ बेसिक सा मैंने करवाए हैं ताकि उससे कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो कुछ बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आए अब ऑफिशियल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके ग्रुप डी वाले ठीक है जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं और हाँ मैंने आज की क्लास से एंटोनियम सिनोनियम के क्वेश्चन को किया स्किप किया है रीजन बताती हूँ क्यों स्किप किया है क्योंकि आप भी समझदार होंगे कि एंटोनियम सिनोनियम एक दिन में सिखाने वाली चीज नहीं है कम से कम मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा जिससे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपका साथ साथ क्लियर होता रहे तो शायद आपको एग्जाम में हेल्प होगी उस चीज से लेकिन एंटोनियम सिनोनियम एक ऐसी चीज है जो कि एकदम एक बार में नहीं आ सकती धीरे धीरे जो बच्चा डेली रूटीन में पढ़ रहा है पांच दस शब्द रोज याद कर रहा है तो डेफिनेटली एग्जाम में एंटोनियम का सेक्शन वही सोल्व करके आ सकता है हाँ ईडीएम फ्रेजेज है वो लास्ट में आपको सारे लर्न करवा दूंगी और उम्मीद है उससे बाहर आपको ईडीएम फ्रेज नहीं देखने को मिलेगा कन्फर्म और क्लास के साथ ही याद करवाऊंगी बिल्कुल लास्ट में आपको ईडीएम फ्रेजेज याद करवा के जाऊंगी यदि तुम ढंग से पढ़ते रहे और बने रहे तो है ना चलो देखिएगा अब यहां पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं यह idiom है idiom है चिकन हार्टेड चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है भाई कहता ना यार बड़ा चिकन हार्टेड है चूजे वाला दिल है यार तेरा तो मतलब बिल्कुल चूजा है तो चिकन हार्टेड का मतलब होता है कॉवर्ड ठीक है चूजे वाला दिल मतलब बिल्कुल ही कहते ना यार तू तो चूजा है तो चिकन हार्टेड कॉवर्ड जो बिल् बिल्कुल डरपोक से बंदे होते हैं उनके लिए यूज होता है चिकन हार्टेड ठीक है हाँ क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम करवाने का मतलब पता है क्या मैं आपको बताती हूँ क्लास में टाइम पास मान लो मैंने आपको दस शब्द करवा भी दिए तो जरूरी थोड़ा ना पेपर में उन दस शब्दों में से ही आएगा और क्या पता कितने सारे शब्द होते हैं वो डेली पढ़ने की चीज होती है और यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन ले लेंगे इसलिए मैंने वो क्वेश्चन जानबूझ के स्किप करें बीच में चलो नेक्स्ट है ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विद प्रीवियस प्रिपरेशन कोई भी स्पीच आप मतलब किसी भी प्रिपरेशन के साथ आप कोई स्पीच देते हो तो वो स्पीच क्या कहलाती है ये अक्सर आता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोम पर ठीक है कोई भी चीज़ कोई भी स्पीच जब आप प्रिपरेशन के साथ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम एक्सट्रोम पर बोलते हैं ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सट्रोम पर बोलते हैं याद रखना यूफिजम क्या होता है यूफिज्म होता है जब किसी आप नेगेटिव चीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ठीक है जब आप किसी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करते हो तो एक यूफिज्म होता है जैसे कहते हैं ना अब किसी को मैं कहूँ पागल है क्या अब भाई पागल उसको डायरेक्ट कहेंगे यार मान लो कोई बंदा ब्लाइंड है आप उसको गेंदा है यार तू तो अच्छा नहीं लगेगा आपको यार तू तो सूरदास है तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा अब आ, मतलब इस तरीके से तो मतलब पॉजिटिव वे में नेगेटिव बात को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना यूफिज्म होता है ओब्वियली कोई भी ये पशु पक्षी जहां पर रहते हैं इस तरीके की प्लेस सॉली होता है खुद में बोलना एक बंदा जैसे अकेले में ऐसे कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता है तो इस तरीके की चीज को हम सोली लिखी बोलते हैं नेक्स्ट है आपको कुछ वर्ड्स हैं स्पेलिंग बतानी है कि right मतलब गलत है तो अपीसमेंट ठीक है अक्वेंटेंस ठीक है अब नॉर्मेलिटी ठीक है अक्वेंटेंस ये गलत है ठीक है ए सी यू ए सी ए आई एन टी एन ए सी क्यों यू ए आई एन टी एन सी होता है ठीक है तो यहां पर एन लगा रखा है यहां पर टी लगा रखा है दो वर्ड गलत है तो अक्वेंटेंस की राइट स्पेलिंग होती है ए सी क्यू यू ए सी क्यू यू ए आई एन टी ए एन सी ई ठीक है तो वन रहेगा आंसर चलो नेक्स्ट देखिए अच्छा क्वेश्चन है डैश द रेन स्टॉप्ड द कॉन्सर्ट सस्पेंडेड द रेन ये ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस वाला ही है डैश द रेन स्टॉप द कॉन्सर्ट हार्ड बी सस्पेंडेड यदि बारिश नहीं रुकी तो शायद कॉन्सर्ट को क्या करना पड़ेगा भाई बंद करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अनटिल अनलेस का मतलब क्या होता है समझ लीजिए जब भी कुछ टाइम के लिए इंडिकेशन होता है तो हम अनटिल को यूज करते हैं हाँ हाँ स्पेलिंग वाला टॉपिक सच में मुश्किल होता है रीजन इज डैट ये किसी टीचर के सिखाने से नहीं आता है ठीक है बाकी टॉपिक्स तो क्या है हम कहते हैं भाई ग्रामर में मैं कहती हूँ भाई जो मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी गारंटी है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन एक टॉपिक एक एंटोनियम सिनोनियम और एक स्पेलिंग इसकी कोई गारंटी नहीं होती कोई दुनिया का टीचर मतलब मुझे लगता है गारंटी ले रहा है तो भाई आ, कमाल ही हो सकता है क्यों क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं ये ऐसे वर्ड हैं जो मतलब पता नहीं कहां से आ जाते हैं है ना मैं तो कभी भी नहीं कहती कि मेरे करवाए हुए आएंगे क्योंकि स्पेलिंग अपने आप में अथा सागर है और वोकेबलरी अपने आप में अथा सागर है हाँ ईडीएम फ्रेजेज और वन वर्ड सब्सिट्यूशन का क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके होते हैं सेलेक्टेड करवा देते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए करवा देते हैं तो ईडीएम फ्रेजेज डेफिनेटली आपके करवाए हुए मिल जाते हैं आपको पेपर में ठीक है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में मिल जाते हैं फ्रेजल वर्ड भी मिल जाते हैं लेकिन एंटोनियम सिनोनियम और स्पेलिंग कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि पेपर में एक आएगा और पता नहीं कैसे आएगा और वो अपने आप में मतलब आपको याद करने वाला होगा ठीक है ये स्पीच स्पीच पूछा था बिना प्रिपरेशन के जो दी जाती है तो उसको एक्सट्रो बोलते हैं परवीन ठीक है ये वन वर्ड सब्सिट्यूशन था नेक्स्ट देखिएगा हाँ जब तक बारिश नहीं रुकी तो ये कंडीशनल सेंटेंस है तो ये अंटिल आएगा ध्यान रखना जब भी कोई भाई बारिश रुकेगी किसी टाइम पे ही रुकेगी तो यहां पर हम अंटिल यूज करते हैं जब समय सूचक हो अनलेस कब यूज करते हैं अनलेस जब यूज करते हैं जब कोई शर्त हो जैसे कहते हैं ना जब तक तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तब तक मैं पास नहीं हो सकता जब शर्त वाली जब बात आ जाती है शर्त के लिए अनलेस यूज करते हैं और टाइम के लिए हम अनिल यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट है द एलिफेंट स्पेंडेड एंड टोर द स्ट्रीट ठीक है द एलिफेंट स्पेंडेड एंड टोर द स्ट्रीट अब यहां पर देखिएगा एलिफेंट स्टेपेड एंड टोर डैश द स्ट्रीट तो ये एक फ्रेज होता है मतलब कहते हैं ना जहां हाथी ने पैर रखा भाई सब कुछ तहश नहस हो गया तो टॉर ऑफ ठीक है सॉरी टोर डाउन तो ये एक क्या होता है भाई ये एक फ्रेज होता है टोर डाउन तहश नहस हो जाना तो यहां पर क्या आएगा भाई टॉर डाउन आएगा तो ध्यान रखना इसको ये टॉर डाउन ये एक आपका वो है एक फ्रेज है एक तरह से ठीक है हाँ क्लियर आगे चलते हैं आगे है एक्टिव वॉइस वॉइस फटाफट बनाइएगा अब तक बनाना सीख गए होंगे गए शीट इचिस अस इंग्लिश बिल्कुल वही सेंटेंस है जो मैंने अभी अभी समझाया है टू ऑब्जेक्ट वाला ठीक है वही सेंटेंस है टू ऑब्जेक्ट वाला फटाफट फड़ से बनाएंगे कैसे बनाएंगे शी टीचिज अस इंग्लिश बनाओ भाई फटाफट फड़ से इसको दो तरीके से देखो अब यहां पर देखो शी इंग्लिश सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने टेंस चेक करना है ठीक है है आपने पर करना क्या है पर पर ठीक है टेंस पर क्या है क्या आपका टीचिस मतलब, मतलब प्रेजेंट टेंस बस सबसे पहले आपने टेंस देखना है अब टेंस प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आपका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा ठीक है तो आपका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा तो इंग्लिश से भी बना सकते हो और अस से बना सकते हो फटाफट खुद बनाओ मैंने अभी तुम्हें टू ऑब्जेक्ट वाला बनाना सिखाया और मैंने कहा ग्रुप डी में मैंने जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन देखे मोस्टली टू ऑब्जेक्ट वाले पूछे गए थे ठीक है तो कैसे बनाओगे इंग्लिश इज बीइंग अब देखो आप एक चीज को ध्यान से देखिएगा हम्म अब पर एक चीज सोचने की है इज बींग क्यों लगा दिया बींग लगता है कभी भी आप एक्टिव गलत नहीं करोगे आपने देखा भाई यहां पर वी वन है अब वी वन है तो इसका मतलब यहां पर इज एम आर कुछ ऐसा ही हेल्पिंग वर्ब मिलेगा ना तो वैसे तो ये ऑप्शन बिल्कुल सीधा देखो है का क्या काम है हैड बीन का क्या काम है वैसे तो देखो ये बिना बिना करे भी आ गया है ना सिर्फ एक वर्ब की हेल्प से शी अस इंग्लिश तो क्या है वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर ठीक है निशा शर्मा मैम टीचीज अस इंग्लिश ऐसे ऐसे भी आप इसको कर सकते हो तो देखो खाली खाली आपको टेंस की नॉलेज होने से भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपका आंसर क्या हो गया भाई सही हो गया ठीक है तो आपका आंसर क्या हो गया सही हो गया तो आंसर क्या हो गया बी ठीक है हाँ चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आ गया भाई आपका नरेशन का ठीक है अब नरेशन कैसे करते हैं नरेशन में टेंस हमेशा चेंज होता है ठीक है नरेशन के अंदर टेंस क्या होता है हमेशा चेंज होता है ध्यान रखेंगे नरेशन में टेंस चेंज होता है लेकिन वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है अब इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा निशा सेड टू स्वाति डैश विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट जस्ट नाउ ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ठीक है ये सेंटेंस कैसा है भाई इंटेरोगेटिव जो की क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पीछे अब क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये सेंटेंस कैसा है भाई इंटेरोगेटिव अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो सेट टू होता है उसको हम किस में बदलते हैं आस्ट में बदलते हैं ठीक है सेट टू होता है किस में बदलते हैं आस्ट में तो सबसे पहले तो आपका यहां पर ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा जिसमें टोल्ड है ठीक है क्योंकि इंटेरोगेटिव है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि देखो क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको वो चीज सिखानी है जो एग्जाम में आपको हेल्प करे अब आपको मान लो नहीं आपने अब तक नरेशन पढ़े ठीक है तो इनकी हेल्प से भी आप कर सकते हो कि भाई आस्ट में बदला ऑप्शन एलिमिनेट गया ये तो आएगा अब आपको पता है नरेशन में नाव हमेशा देन में बदलता है नाव देन में बदलता है तो यहां पर नाव का नाव है यहां पर भी नाव का नाव है तो इसको काट दो यहां पर भी नाव का नाव है देखो मतलब मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूं समझ गए ना कि एक छोटी सी बात से भी तुम्हारा क्वेश्चन सही आ गया एक छोटी सी बात से भी तुम्हारा क्वेश्चन सही आ गया है बट फिर भी मैं तो क्वेश्चन को सिखाऊंगी नीशा आस्ट स्वाति ठीक है तो क्या बनाएंगे भाई निशा सेट टू बदल आस्ट में अरे अपना नाम इसको तो प्यार से ही लू हाँ आस्ट स्वाति हा स्वाति अब आपको पता है जब भी यहां पर आप इन्वर्टेड कोमास को हटाते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इफ लगता है इफ विल यू तो यू सेकेंड पर्सन है यू क्या है सेकेंड पर्सन नरेशन में एक रूल हमेशा याद रखना एस ओ एन एस ओ एन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन जब भी आपको सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन हो तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा सेंटेंस में जब भी फर्स्ट पर्सन हो तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में जब भी आपका सेकेंड पर्सन हो तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा जब भी आपका थर्ड पर्सन हो तो वो नो no चेंज रहता है ठीक है ये रिपोर्टेड वर्ब होता है और ये क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है अब देखिए यहाँ पर यू यू क्या है भाई आपको पता I, my, me, we, ours, है आई माई मी वी आवर आवरस ये फर्स्ट पर्सन होते हैं ना हिंदी में जैसे आपने पढ़ा होगा ना सर्वनाम हिंदी में आपने क्या पढ़े हैं सर्वनाम तो सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम ने अब मैं आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष अन्य पुरुष मध्यम पुरुष है ना हाँ तो सर्वनाम में आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष तो ये इंग्लिश में वही होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो वी आवर वी यू 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 यूवर ये क्या होते हैं ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन ही कोई भी नाम है थर्ड पर्सन अब यहां पर देखिएगा यहां पर देखिएगा Will you, you क्या है सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है स्वाति तो स्वाति का क्या लग गया शी विल विल का पास्ट क्या हो गया वुड क्योंकि प्रेजेंट जो भी टेंस है उनका चेंज हो जाता है प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है ठीक है पास्ट पास्ट में ही चेंज होता है जैसे सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है तो शी वुड हेल्प अमी क्या है फर्स्ट पर्सन है ये चेंज करना कभी मत भूलना नरेशन में फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट निशा है तो निशा के अकॉर्डिंग क्या लग गया हर इन माई माई फर्स्ट पर्सन है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो हर प्रोजेक्ट ठीक है तो क्या है भाई निशा आस्ट स्वाति इफ शी वुड हेल्प इन हर प्रोजेक्ट जस्ट देन तो आंसर क्या रहेगा बी ठीक है तो आंसर क्या रहेगा बी हम ये तान्या जो आप लिख रहे हो वेरी गुड बट ये तो प्रोनाउन का रूल है कि पॉजिटिव सेंस में ये प्रोनाउन लगते, लगते हैं और नेगेटिव में ये प्रोनाउन लगते हैं हाँ हम या नरेशन की बात कर रहे हैं गुड क्लियर हुआ भाई यहाँ तक फटाफट -फड़ एक बार भाई तुम तो बड़े अजीब बच्चे हो इम्प्रेशन भी नहीं देते क्लास कैसी लग रही है समझ आ रहा नहीं आ रहा फटाफट -फड़ बताओ हम्म पहले यहाँ तक कमेंट करके बताओ एक बार कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ आई आगे चले कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या यूं ही बोले जा रही हूं मैं हाँ बताओ फटाफट फड़। कुछ जो नए बच्चे हैं वो हाथ ऊपर करना जो पहली बार मुझे देख रहे हैं मतलब ये जो नहीं जानते हैं अरे दीपक तुम तो रोज ही देखते हो जो न्यू स्टूडेंट हैं ऐसा कोई स्टूडेंट है मतलब ऐसे ही होंगे मतलब सर वाले स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं आप बताइए आपको समझ आ रही है जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं मतलब जो पहली बार मुझसे मिले हैं आ, सर के चैनल पर तो एक बार अपने हैंड इरेज करना भाई हाथ ऊपर उठाना ऐसे हाय पता चले मुझे कि फिर मैं देखूंगी वो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वेरी गुड चलो हाँ चलो आगे चलते हैं चलो समझ आ रहा ना हाँ बीच में इंप्रेशन देना जरूरी होता है मतलब पता चले आपकी शक्लें तो मुझे नहीं दिख रही ना ऑफलाइन में तो शक्लें दिख जाती हैं टेडी मेढी हंसी सुंदर कैसी कैसी बनाते हो तुम है ना ऑफलाइन में तो नहीं दिखती ना ऑनलाइन में तो आपके कमेंट ही मैटर करते हैं चलो चलो आगे चलते हैं समझ गए नरेशन देखो मैंने तुम्हें शॉर्टकट में बता दिया नरेशन कि वो कहते हैं ना पेपर से पहले एक छोटा सा ट्रिक दे देना है ना बट आई ऑलवेज बिलीव ऑन कॉन्सेप्ट बट फिर भी टाइम से पहले लास्ट टाइम ऐसी ही चीजें होती हैं चलो आगे चलते हैं इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू नो एरर अभी अभी ध्यान से ध्यान से सुनना अभी तुम्हें हिंट देती हूँ आप खुद करोगे है 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 ना इंग्लिश इंग्लिश को को करना सीखना है, को सीखना आपको अभी अभी मैंने कंडीशनल सेंटेंस के तीन रूल बताए थे याद करो फटाफट प्रेजेंट टेंस आ जाता है तो विल आ जाएगा विल आ जाता है यदि पास्ट आ जाता है तो वुड प्लस वी वन आ जाता है लेकिन यदि आपको लेकिन यदि आपको किसी भी तरीके से Uh, मतलब हैड प्लस वी थ्री आ जाता है मतलब परफेक्ट आ जाता है plus V3 आ जाता है, तो याद करो तो मैंने बताया था दूसरे वाले sentence में क्या लगाना है अब बता दो फटाफट फड़ एरर हाँ दूसरे वाले सेंटेंस में क्या लगाना है फटाफट फड़ बता दीजिए अब देखिएगा हाँ तुम दो ना आंसर अभी बताया यही तो यही तो देखो किसको कितना याद है ध्यान से देखिएगा इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर अब ध्यान से देखिएगा इफ यू हैड टोल्ड मी earlier, अब क्वेश्चन को समझो आंसर दो हम्म फटाफट आंसर करो हाँ भाई जो भी बच्चे अचीवर्स वाले पहली बार देख रहे हैं दीवान सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो शेयर भी करना दोस्तों के साथ सर अच्छी हरियाणा जी की पढ़ाते हैं हम्म चलो यस yes, काजल काजल ने बिल्कुल पढ़ने पे ध्यान दिया बाकी बातों तो पे ध्यान दे रहे हैं ठीक है <laughs> काजल ने सही आंसर किया है अभी मैं देख रही थी कौन सही आंसर करेगा अभी मैंने आपको सिखाया था इधर हैड प्लस हैड प्लस वी थ्री आ जाए तो इधर आप क्या भरेंगे इधर आप वुड हैव प्लस वी थ्री भरेंगे और इधर क्या भरा हुआ है विल विल हेल्प भरा पड़ा है तो इसका मतलब यही सेंटेंस क्या है एरर है कंडीशनल सेंटेंस आपके एग्जाम में हर बार आ रहा है तीन ही बातें हैं गांठ बांध लो एक साइड प्रेजेंट मिले तो दूसरी साइड फ्यूचर भर देना ठीक है एक साइड प्रेजेंट मिले तो दूसरी साइड फ्यूचर भर देना एक साइड यदि तुम्हें पास्ट मिले तो दूसरी साइड वुड प्लस वी वन भर देना क्योंकि वुड के बाद हमेशा वी वन आएगी क्योंकि वुड एक मॉडल्स है यदि आपको तीसरी आपको क्या ध्यान रखना है तीसरी सेंटेंस यदि आपको हेड प्लस वी थ्री मिले मतलब परफेक्ट मिले तो दूसरी साइड आपने वुड हैव है थ्री भरना है शाबाश समझ गए आप चलो अगला है डोंट लॉयटर डैश कॉरिडोर कॉरिडोर में इधर उधर मत भटको स्कूल कॉलेज में कहा जाता ना अरे टिक जा रे छोरे सारे दिन फिरता रहता तू बरामदे में है ना तो आपको पता है भाई सारे दिन बरामदे में इधर उधर फिरते रहते हो स्कूल में बड़ी डांट खाई होगी कॉरिडोर में नहीं फिरना चाहिए तो आंसर क्या आएगा डोंट लॉयटर अराउंड ये एक फ्रेज है इधर उधर भटकना डोंट लॉयटर अराउंड तो ये क्या है इधर उधर मत भटको भाई टिक्के पढ़ लो है ना टिक्के पढ़ लिया करो पहले सेलेक्ट करके रखा करो फिर पढ़ा करो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट है यहां पर आपको एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ए गिवन वर्ड आपको गिवन वर्ड का मीनिंग आपको बताना है मैलीफ्यू यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है मैलीफ्लूएस मैलिफ्लूएस का मतलब होता है समथिंग इज सूथिंग समथिंग इज लाइक कोई म्यूजिक आपको बहुत अच्छा लगता है जैसे हम सुनते हैं जैसे आजकल तुम्हें अजय हुड्डा के गाने अच्छे लग रहे होंगे हरियाणा वालों को है ना अजय हुड्डा के गाने बड़े मस्त होते हैं तो मतलब लेकिन सूथिंग म्यूजिक लाइक जैसे नाइन्टीज के बच्चे जानते हैं म्यूजिक की वैल्यू है ना पुराने सॉन्ग्स जो होते हैं तो

पक्षियों को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है देखो एक में तो बर्ड्स को कैप्ट करके रखा जाता है और एक में बीस को कैप्ट करके रखा जाता ध्यान से सुनेगा याद करवा देती तुम्हें बर्ड्स क्या करते हैं हवा में उड़ते हैं बर्ड्स क्या करते हैं भाई हवा में उड़ते हैं हवा में उड़ते हैं तारों पे बैठते हैं तुम्हें याद होगा गांव में जाके देखना पक्षी ऐसे तारों पे बैठे मिलेंगे तुम्हें तो हवा में उड़ते हैं और तारों पे बैठते हैं तो वायर ऐसे याद करना अवायरी वायर वायर मतलब तार अब ये क्या है बर्ड्स कहां बैठे हैं वायर्स पे बैठे हैं तो बर्ड्स अवायरी ठीक है तो यहां पर ये आपको याद करना एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन तो इसको अवायरी बोलते हैं अपायरी जहां पर बीज को कैप्ट करके रखा जाता है तो भाई मधुमक्खी ने खाया एक्सपायरी हो जाना है अपायरी तो अपायरी होता है जहां मधुमक्खियां मतलब रखी जाती हैं और जहां बर्ड्स रखे जाते हैं उसको अवायरी बोलते हैं तो वायर से याद कर लेना स्टेबल होता है जहां घोड़े वोड़े रखे जाते हैं आपको पता है और सेंचुरी तो आपको पता वन्यजीव अभ्यारण जो आपने हरियाणा जिले में पढ़ रखे होंगे वन्यजीव अभ्यारण ठीक है तो वन्यजीव अभ्यारण आपको पता सेंचुरी होते हम्म चलो नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम गिव टू द कोल्ड शोल्डर ठीक है यहां पर आपको बताना कोल्ड शोल्डर ध्यान से देखना कोल्ड ब्लड जहां पर भी आपको एक कोल्ड शब्द मिले ना तो इसका मतलब समथिंग इज लाइक निर्दयता ठीक है तो कोल्ड वर्ड आपको जहां भी मिले तो ध्यान रखना समथिंग इज ये सभी यस बिल्कुल एचपीएससी के ही हैं राकेश ग्रुप डी के ही क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं सारे जो आपके एग्जाम्स में आज तक आए हुए हैं सारे ऑफिशियल पेपर ही करवाए जा रहे हैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू वाला हो ऑफिशियल पेपर है सारे गिव द कोल्ड शोल्डर देखो जहां पर भी आपको मिले ना कोल्ड शोल्डर अब देखो कोल्ड शब्द निर्दयता को प्रेजेंट करता है ठीक है कोल्ड ब्लड मतलब निर्दयी बंदा जो दूसरों से लड़ता रहता है कोल्ड शोल्डर दे रहा मतलब है मतलब दिखावा कर रहा है तो इग्नोर समवन ठीक है तो इग्नोर करना दैट इज शोल्डर हॉट वेलकम वार्म वेलकम जब आप पॉजिटिवली किसी को अच्छे प्यार से बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हॉट वेलकम ठीक है तो यहां पर याद रखना नेक्स्ट देखिएगा ए पुट ए स्पोक इन वन व्हील ये एक फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है पुट ए स्पॉक इन वन व्हील तो कहता है ना किसी के पहिए में अपनी तिलिया डालना तो समझ ही रहे होगा भाई तो ये ये मैं तुम्हें लास्ट में याद करवा के जाऊंगी मैं लास्ट में आपको ये सारी याद करवा दूंगी होप्स ऑफ एग्जाम में उनमें से आ जाएगी टू पुट ए स्पॉक इन वन व्हील कहते ना यार किसी के पहिए में क्यों अपनी तिलिया डाल रहा है भाई तुझे क्या करना है ऐसा करके तो ऐसा करके क्या कर रहा है वो बेचारा पहिया चला रहा है तुम उसको बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो तो इसका मतलब टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस है ना जैसे आजकल लोग होते हैं किसी को तरक्की करते देखते हैं तो कुछ भांजी मारेंगे बीच में तो वो जो भांजी मारना है भाई तुम मजे से अपना टायर चला रहा है दूसरा आके उसके अंदर अपनी लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है वो गलत है तो इसका मतलब टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस नेक्स्ट है शी इज द बेस्ट एंड द वाइसेस्ट गर्ल इन द क्लास तो भाई शी इज द द बेस्ट एंड दाइसेस्ट तो वो सबसे बुद्धिमान भी है और सबसे वाइस भी है पूरी क्लास में तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था सुपरलेटिव डिग्री तो पूरी क्लास में सबसे बुद्धिमान भी और सबसे बेस्ट भी है तो दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है तो बिल्कुल ठीक है तो शी इज द बेस्ट एंड द वाइटेस्ट तो देर इज नो नीड टू तो एनी इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है सेंटेंस बिल्कुल ओके है नेक्स्ट देखिएगा सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यहां पर चार ऑप्शन नहीं है बट कोई बात नहीं हम एक से ही समझते हैं प्लीज गाइड मी तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ठीक है ये क्या होते हैं भाई इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव अंदर क्या होता है आपको किसी भी तरीके से सब्जेक्ट नहीं होता ठीक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है आपको सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है ठीक है आपको सब्जेक्ट मैंशन नहीं होता है और जो भी मतलब एक तरह से सेंस होता है सब्जेक्ट आपको नहीं मैंशन होगा और जो भी सेंस होगा उसके अनुसार हम वर्ड को यूज करते हैं जैसे यू आर आस्ट टू यू आर रिक्वेस्ट टू यू आर फॉरबिड टू यू आर एडवाइज टू तो जहां पर भी प्लीज आ जाता है तो प्लीज ऑलवेज फॉलो विद रिक्वेस्टेड ठीक है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी तो ध्यान रखना ऐसे सेंटेंस हो ना जैसे ओपन द डोर तो यू आर मतलब यू आस्ट ओपन द डोर है ना माली नौकर को बोला जा रहा तो यू ऑर्डर टू ओपन द डोर सिट डाउन बी सिटेड तो कहने का मतलब इनमें जो सेंस होती है आप सीधा वो सेंस लगाते हैं और सेंटेंस कर लेते हैं देखिए प्लीज गाइड मी तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी ठीक है तो प्लीज गाइड मी यू आर रिक्वेस्टेड तो आपने प्लीज को हटा के क्या लगाना यू आर रिक्वेस्टेड फिर टू यहां पर एड कर देना है और फिर जो सेंटेंस है आपको एज इट इज ठीक है अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम एक्टिव वॉइस वॉइस पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म लगानी थी लेकिन आप ऑलरेडी रिक्वेस्टेड डाल चुके हो तो नो नीड टू अगेन मेक इट थर्ड फॉर्म ठीक है तो ध्यान रखें अगला सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है देखते हैं इसको भी बनाते हैं फटाफट अब ध्यान से सुनिएगा ये इंटेरोगेटिव है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक रूल है मैंने आपको पहले दिन आते ही मतलब पहले दिन कह रही हूँ क्लास शुरू करते एक बात बोली थी वॉइस शुरू करते ही टेंस नेवर चेंज सेंस नेवर चेंज ना तो टेंस चेंज होगा ना ही सेंस चेंज होगी ठीक है ना तो टेंस चेंज होगा ना ही सेंस चेंज होगी सेंस का मतलब क्या है यदि आपका

टी तो एक्टिव वॉइस पैसे वॉइस कैसे बनाते हो आप इसको ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हो टी जो भी वर्ब है उसका हेल्पिंग वर्ब डाल दो इज टेक का टेकन बाय हिम ठीक है ऐसे ही बनाते हो तो ये तरीका सबको आता है लेकिन जब ऐसे शब्द आगे पीछे आ जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार ये तो डू भी आ गया ये भी आ गया मैडम अब मैं क्या करूं तो आपको कुछ नहीं करना है समझना है जब भी कोई डब्ल्यू एच वाला शब्द आपको आगे मिले डब्ल्यू एच फैमिली मतलब वेयर वाई होम ये वाले इस टाइप के कोई भी शब्द आपको मिले तो इनको आपको एज इट इज आगे रखना है मतलब आपने इनको छेड़ना ही नहीं है ठीक है इन बेचारों को जहां थे वहीं रख दो मतलब इनको क्या है एज इट इज आगे रख दो मतलब जहां ये थे वहीं आप इनको आगे रख दो आगे सेंटेंस को देखो डू यू वेस्ट मनी अब कई बच्चे इस डू से कंफ्यूज हो जाएंगे तो ध्यान से सुनना जो डू होता है डज होता है जब भी आप सेंटेंस आपने पढ़े होंगे सेंटेंस ठीक है क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही चुके होंगे पेपर के चार दिन है तो इतना तो मैं नहीं सोच सकती कि एग्जाम के चार दिन और आपने अब तक कॉन्सेप्ट ही ना पढ़ा हो है ना तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है जब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए हम डू डिज डू डज डिड ये लगाते हैं सीधी सी बातें दी प्रेजेंट का है तो डू डज लगा देते हैं पास्ट का है तो डिड लगा देते हैं तो ये किस लिए होता है भाई इंटेरोगेटिव लिए किस लिए होता है भाई ये के लिए तो पर ये था तो तो इसलिए डू आया है तो आप चक्कर में मत पड़ो कि मैम इसमें भी डू लेके आऊंगा नहीं आंसर में डू लाने की जरूरत नहीं है आप समझो कि ये सेंटेंस इतना ही है ठीक है यू वेस्ट मनी तो आपको इसको बहुत ईजिली बना लोगे ना ध्यान से समझो आप समझो ये है ही नहीं सपोज आपको नहीं बनाना आता तो यू वेस्ट मनी तो हम क्या लिखेंगे मनी तो हम क्या लिखेंगे अब ये मतलब क्या है आपका प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है तो मनी इज मनी इज वेस्टेड बाय यू ठीक है तो हम क्या लिखेंगे ओके मनी इज वेस्टेड बाय यू ऐसा तो सबको बनाना आता है मान लो किसी को बनाना नहीं आता तो मैं आपको ठीक ठीक है ओके okay. देखिएगा मान लो आपको बनाना नहीं आता तो सबको ये तो बनाना आता है ना कि मनी इज वेस्टेड बाय यू अब मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रही हूं हूं आपको ताकि मैं चाहती कि किसी ने आज तक भी इंटरोगेटिव नहीं किया तो आप एक पल में इसको समझ जाओ यहां पर देखो ये क्या है भाई क्वेश्चन मार्क अब आपको पता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना तो सेंस तो चेंज होनी नहीं, नहीं तो आपका आंसर भी तो क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए अब भाई ये तो क्वेश्चन मार्क में नहीं आया तो क्वेश्चन मार्क में लाने के लिए क्या करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम आगे लगा देते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम कहा लगा देते हैं आगे लगा देते हैं और जब हेल्पिंग वर्ब आपका आगे लग गया तो इसका मतलब ये 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 जो जो सेंटेंस सेंटेंस है है इंटरोगेटिव बन गया तो आगे लग गया तो यहां से इसको हटा दो लो बना दिया आपने एक मिनट में तो क्या बनाएंगे वाई इज मनी वेस्टेड बाय यू तो आंसर क्या रह गया सी क्या बताओ फटाफट फड़ समझ आया नहीं ये मैंने इस तरीके से इसलिए समझाया है कि काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि यार ये तो जंजाल आ गया पेपर में ये आ गया तो ये जंजाल आ गया पेपर में आप सोचो ये जंजाल है ही नहीं आपको तो इतना बनाना आता है ना सबको बस आप इसको बना दो उठा के लेकिन ये इसका तो कोई जंजाल है ही नहीं ये तो एज इट इज रहना है तो बचा क्या जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे उठा के आगे लगाना है आगे हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तभी तो सेंटेंस का सेंस सेम रहेगा बस बन गया फटाफट फड़ बताओ क्या आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना समझ आया हम्म शाबाश थैंक यू जीपी हम्म वेरी गुड ठीक है तो कहने का मतलब ये सेंटेंस में अक्सर बच्चा फंसता है और आपके एग्जाम में मैंने देखा या तो टू ऑब्जेक्ट वाले आए हैं या इंटेरोगेटिव आए हैं इंटेरोगेटिव मतलब ये वाले तो होप्स इन दोनों को गलत नहीं करके आओगे पेपर में यदि आ जाता है तो आ जाता है क्या आना ही चाहिए है ना चलो अगला है चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगुन इन द एशिया चिल्का भाई खारे पानी की झील है ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है कोई एरर नहीं है, है इस सेंटेंस में ठीक है चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगुन ऑफ इन लेगन इन एशिया बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एरर होता तो क्या होता है यहाँ पर लार्जेस्ट की जगह कुछ और होता लार्जर हो जाता लार्ज हो जाता जब पूरे एशिया में है तो पूरे एशिया में है तो लार्जेस्ट ही होगी सीधी सी बात है तो यही यहाँ पर एरर होता यदि एरर होता तो बट नहीं है नेक्स्ट देखिएगा माय सिस्टर इन लॉज हु इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद मी ठीक है ये कह रहा हुँ। हुँ ये है माय सिस्टर इन लॉज मेरी सिस्टर इन लॉज हाँ हु यदि आ जाता है हु यदि आ जाता है सेंटेंस के आगे बाकी तो डब्ल्यू एच फैमिली का जो भी आएगा एज इट इज लिखा जाएगा आ जाता है तो बाय होम में चेंज हो जाता है और ध्यान से सुनिएगा हु जब बाय होम में चेंज हो जाता है तो उस सेंटेंस में बाद में जैसे हम वर्ब की फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं न, तो वो लगाने की जरूरत नहीं होती और एक नो होता है नो के साथ बाय मत लगाना नो टू होता है हमेशा नॉन टू मी नॉन बाय मी कभी मत कर देना ठीक है देखिए माई सिस्टर इन लॉज अब यहां पर आप सोचो एरर क्या हो सकता है माई सिस्टर इन लॉज मतलब ये प्लूरल है ये प्लूरल है और ये हेल्पिंग वर्ब क्या है सिंगुलर है ये हेल्पिंग वर्ब क्या है सिंगुलर है अब भाई ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है कैसे कैसे चैन आएगा ऐसे तो गलत है ना प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी एस ई एस लगा नहीं होता है एस ई एस हमेशा किसके साथ होता है सिंगुलर के साथ है हाँ बी आई जी कोई दिक्कत नहीं होती सीख जाते हो पढ़ोगे तो सब सीख जाओगे ठीक है अब देखिएगा यहां पर हाँ तो यहां पर क्या है माई सिस्टर इन लॉज लॉज नहीं होता भाई लॉज है तो प्लूरल है तो यहां पर भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए अब ध्यान से सुना किसी भी नाउन के पीछे यदि एस और ई एस लगा है किसी भी नाउन के पीछे एस और ई एस लगा तो समझ लेना वो नाउन प्लूरल है पेन है पेन्स लिख दिया किसी भी नाउन के पीछे टेबल है टेबल्स लिख दिया किसी भी नाउन के पीछे किसी भी नाउन के पीछे किसी भी के पीछे यदि एस ई एस लगा है तो ध्यान रखना वो प्लूरल होगा बट बट किसी भी वर्ब के पीछे किसी भी वर्ब के पीछे एस और ई एस लगा है तो समझ लेना वो वर्ब सिंगुलर होगी ठीक है तो समझ लेना वो वर्ब कैसी होगी वो वर्ब सिंगुलर होगी ठीक है जैसे कि गेट है प्लुरल है गेट्स है तो मतलब सिंगलर है ध्यान रखना नाउन के पीछे एस, एस लग के नाउन हमेशा प्लूरल बन जाता है लेकिन लेकिन वर्ब के साथ ऐसो एस, एस लग जाता तो वो हमेशा सिंगलर हो जाती है तो यहां से एक, एक शॉर्टकट में आपको एक चीज पता चल गई होगी ना कि यदि एस लगा है नाउन के साथ तो समझ लेना प्लूरल है तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी कहने का मतलब एस वाले सब्जेक्ट के साथ एस वाली वर्ब नहीं लगती है है ना चलो आगे है आगे है द एम्प्लॉय डिडंट डैश टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर द इम्प्लॉय डिडंट डैश टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर तो इंप्लॉयज है अपने मैनेजर से भाई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे मतलब उसकी नहीं मानना चाहते मैनेजर कुछ कह रहा होगा अपने इंप्लॉय से ये कर दो वो कर दो बट वो कहता है भाई मैं नहीं करता बहुत होगी बहुत सुन ली अब नहीं सुनने वाला तुम्हारी है तो इस चीज के लिए होता है वर्ड कंसीड ठीक है तो इस चीज के लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है भाई वो कंसीड होता है ठीक है तो क्या होता है भाई कंसीड होता है नेक्स्ट देखिएगा आपको यहां पर एक एरर ही बताना है ऑल इम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रोम देअर बोस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी ये द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देअर बोस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी की सभी इंप्लॉयज डिफर कर रहे हैं अपने बोस से मतलब किसी की राय नहीं मिल रही है तो क्या आएगा यहाँ पर ठीक है तो ऑल इंप्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रोम नहीं आता कभी भी आपकी राय उनसे भिन्न है तो मतलब नहीं मान रहे हो आप तो डिफर विद होता है ठीक है डिफर फ्रॉम नहीं आता हाँ प्रेपोजिशन भी अच्छी खासी आई हुई है आपके एग्जाम में तो डिफर विद होगा ठीक है तो क्या होगा भाई डिफर विद होगा yes. तो differ with, तो फ्रॉम गलत है तो डिफर फ्रॉम देयर बॉस की जगह डिफर विद देयर बॉस आएगा तो बी रहेगा आंसर नेक्स्ट देखिएगा अब इस क्वेश्चन को आप खुद बनाओ अभी मैंने तुम्हें सिखाया है बट ये उल्टा है कहने का मतलब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना पड़ा है ये ठीक है ये क्या है भाई ये ये वाई यहाँ या, यहाँ चला गया यहाँ आएगा वाई नहीं सिंपल ही है सिंपल है सॉरी अब ये सेंटेंस बनाओ मैंने अभी अभी ऐसा सेंटेंस आपको बनाना सिखाया देखती हूँ सबसे पहले सही उत्तर कौन देता है वाई डू यू स्पेंड सो मच मनी ठीक है वाई वाई ही रह जाएगा फटाफट फड़ बनाओ फटाफट फड़ बनाओ देखती हूं सबसे पहले सही कौन बनाता है इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी ये क्वेश्चन सिखाया है सेम ऐसा ही फोर्टी फाइव बना के दिखाओ एक मिनट को भी पेन तो लेके बैठे हो गया शाबाश हिमांशु काद्यान का सबसे कपिल राणा सचिन सबसे पहले सही आंसर आया सचिन का देन कपिल राणा देन हिमांशु काद्यान कपिल शाबाश निशा सबका ही सही तो तो नाम तो हमेशा टॉपर्स के लिए जाते हैं ना हम्म वेरी गुड सीख तुम दो मिनट में सीख गए इतना मुश्किल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना बच्चे कहते हैं है, मैडम समझ नहीं आता और तुम तो सारा सबने ही ठीक कर दिया यस yes. देखो कुछ है नहीं करना वाई को वाई ही रहने देना वाई को वाई रहने देना भाई वाई है कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको पता है ये डू है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट टेंस आएगा सीधी सी बात है स्पेंड वैसे भी फर्स्ट तो है? सिंगलर है तो इज होगा तो आप सिंपल बना लो अपने दिमाग में सो मच मनी इज स्पेंड बाय यू बट इज ये तो इंटेरोगेटिव है तो इसको आगे उठा लेना है तो वाई इज सो मच मनी स्पेंड बाय यू शाबाश सबका आंसर सही है भाई तुम तो गजब बच्चे हो बड़ी जल्दी सीख गए किरण हर जगह आ जाती है अच्छी चलो चले आगे वॉइस की मैंने ना अपने चैनल पे पांच वीडियोस में पूरा वॉइस करवा रखा है जिंदगी में गलत नहीं करोगे चाहो तो देख लेना सीखने के लिए विद प्रैक्टिस मतलब गारंटी है वॉइस नरेशन कभी नहीं गलत ढंग से पढ़ लोगे तो चलो सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सी ये बताओ भाई उत्तराखंड इन वेकेशन फटाफट से आंसर बताएंगे। नरेशन बनाना शी सेड शी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन शी सेड तो क्या लगाएंगे बीच में शी सेड के बाद डेट तो शी सेड डेट यहां तक तो सबको आता है वी क्या है We क्या है वरब की सॉरी फर्स्ट पर्सन वी क्या है फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या है चेंज होएगा किसके अकॉर्डिंग भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है आपका शी है वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो शी सेड दैट अब वी है देखो ध्यान से वी प्लूरल था तो आपका ये भी प्लूरल आएगा वी सेड दैट दे अब यहां पर आपको क्या समझना है सबसे मेन सबसे मेन सबसे मेन शॉर्टकट समझ लो जिंदगी में गलती मत करना ये विजिटेड है विजिटेड क्या है वी टू है विजिटेड क्या है पास्ट है विजिटेड क्या है ये आपका सिंपल पास्ट है ठीक है विजिटेड क्या है भाई आपका सिंपल पास्ट है विजिटेड इज सिंपल पास्ट अब सिंपल पास्ट यहां पर देखो नरेशन में कभी मत गलती कर देना नरेशन में जब भी आपका कोई टेंस हो ठीक है प्रेजेंट टेंस का कोई भी एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट हो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है प्रेजेंट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो उसके नरेशन के हमेशा पास्ट में बदल जाएगा ठीक है प्रेजेंट टेंस जब भी होता है तो वो किस में बदल जाएगा भाई पास्ट में बदल जाएगा प्रेजेंट टेंस जब भी होगा तो वो किस में बदल जाएगा भाई पास्ट में बदल जाएगा सिंपल सा याद रखना प्रेजेंट टेंस जब भी होगा तो वो पास्ट में बदल जाएगा बात खत्म प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाएगा पास्ट में बदल जाएगा लेकिन बच्चे गलती करते हैं पास्ट टेंस किस में बदलता है मैडम प्रेजेंट को तो बदल देंगे फटाफट पास्ट में पास्ट टेंस पास्ट में ही बदलता है अब आपको पता भाई पास्ट में चार टेंस होते हैं एक तो आपका सिंपल पास्ट एक पास्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है एक पास्ट परफेक्ट एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं ये चार भाग सबको पता होगा टेंस तीन होते हैं और उसके सब पार्ट चार 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 बारह हो जाते हैं अब पास्ट किसमें बदलेगा तो ध्यान से सुनना रटने की जरूरत ही नहीं है ये क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस 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 में बदलता है बस इतना याद रखना कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में बदलता है क्या समझे कॉन्टीन्यूस कॉन्टिन्यूस में बदलता है समझ गए ना कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में बदलता है बस इसका मतलब जो सिंपल पास्ट बच गया वो किस में बच गिर गया पास्ट परफेक्ट में वो किस में बदलेगा पास्ट परफेक्ट में अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप देखिएगा और समझिएगा यहाँ पर ध्यान से अब आपको पता है भाई ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा परफेक्ट में बदलेगा तो आपको सेंटेंस के उत्तर में हैड विजिटेड जरूर मिलेगा हैड विजिटेड देखो आप फटाफट चले जाओ इसमें हैड विजिटेड है नहीं काट दो इसकी कहानी को ठीक है वी विजिटेड काट काट दो इसको हैव विजिटेड दो इसको बचा क्या आंसर आंसर बचा बी ठीक है आप ऐसे भी तो कर सकते हो यदि आपको टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल नहीं तो आप आगे तो सीखना जरूरी है सीखो शी said डेट यहां तो कोई दिक्कत वी प्लूरल था तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा प्लुरल दे विजिटेड बदल गया द समर वेकेशन बस छुट्टी समझ आया फटाफट बताओ आपको नरेशन समझ आ गया नहीं चीजें याद भी करनी जरूरी होती है ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब वो कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा चलो आगे देखिए वाइल्ड गूज चेज मीन्स वाइल्ड गूज चेज मीन्स क्या होता है फ्रूटफुल सर्च यूजलेस सर्च वाइल्ड गूज चेज एक वो है तो इसका मतलब होता है यूजलेस सर्च कोई भी सर्च यूजलेस होती है अगला आता चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज ए सेक्रेटरी अभी अभी मैंने एक अभी अभी मैंने एक आर्टिकल बताया था तुम्हें ठीक है अब यहां पर आप खुद बताएंगे गलती क्या है देखती हूँ आपका जो माइंड कितना काम कर रहा था पढ़ते हुए क्योंकि पढ़ना मैटर नहीं करता कभी भी कभी भी आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो उससे कुछ नहीं होता पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता सिलेक्शन हमेशा सीखने से होता है एक क्वेश्चन को कैसे समझा और उस क्वेश्चन को कैसे अगले क्वेश्चन पर अप्लीकेबल कर सकते हो वो सिलेक्शन लेता है मात्र पढ़ने वाला सिलेक्शन नहीं लेता क्योंकि पढ़ती तो पूरी जहान है पूरी दुनिया है है ना सिलेक्शन हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से होते हैं अब भी यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आई जस्ट वॉन्ट टू चेक अभी मैंने क्वेश्चन बताया था अपॉइंटेड सिलेक्टेड आ जाता है तो उसका एक रूल बताया था आर्टिकल में फटाफट फड़ बता दो यहां पर क्या गलती आई हुई है इस सेंटेंस में छप्पन <coughs> देखूंगी कौन सही <से> बताएगा <coughs> फटाफट फड़ बता दो मेरा ना एक्चुअली गला खराब है आज जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी आवाज को इग्नोर करना मतलब मेरी आवाज इतनी रानी मुखर्जी जैसी नहीं है जितनी आज लग रही है थोड़ी सी मधुर है शाबाश इसका मतलब आप सभी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्लास को देख रहे थे वेरी गुड वेरी गुड सर आपकी एकेडमी के बच्चे बहुत होशार हैं आई एम इम्प्रेस्ड ये तो होशियार हैं मेरे वाले तो नलायक हैं उनको तो कह कह के कहना पड़ता है समझते ही नहीं है नहीं मजाक कर रही हूँ वो भी बहुत होशियार है <laughs> हाँ नहीं मतलब मुझे सीरियसली अच्छा लगा सर तो खैर कहाँ मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे बट मुझे अच्छा लगा भाई यहाँ पढ़ा के क्योंकि आ, जो बच्चे सर के चैनल पर जुड़े हुए हैं ना सिंसियर हैं मतलब सीख रहे हैं चीज़ों को मतलब मुझे ऐसे स्टूडेंट ही पसंद है आ, मुझे ऐसे ही स्टूडेंट पसंद है जो सीखते हैं मतलब आप लोग बिल्कुल बढ़िया सीख रहे हो मतलब आपको तो ऐसा मन कर रहा है यार बहुत सारा पढ़ा दूं बट मैं क्या करूं क्लास लिमिटेड ही थी है ना हाँ हाँ किरण मुझे पता है रे मजाक की बात है अचीवर्स वाले भी अच्छे हैं बट uh, सच में किरण नोट किया होगा तुमने कि बच्चे बहुत अच्छे हैं दीवान सर की एकेडमी के सर यदि मेरा मैसेज सुन रहे हो तो सर मैं सीरियसली अप्रिशिएट करती हूँ आपके स्टूडेंट बहुत जेनवन है मतलब इनका मन है पढ़ाई में और ये बच्चे ज़रूर कामयाब होने वालों में से हैं अचीवर्स वाले तो हैं भाई वो तो जरूर सारे हैं ऐसे मत करो वो तो मज़ाक की बात थी ठीक है ना तुम तो बसते हो मेरे डैश 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 में चलो द चेयरमैन अपॉइंटेड हर तो चेयरमैन अपॉइंटेड हर शाबाश सब ने आंसर सही दिया है भाई कि अपॉइंटेड सिलेक्टेड आ जाता है तो हम वहां पर आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो ए क्यू लगा दिया तो एज सेक्रेटरी आएगा आंसर यस सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है तो आपको ध्यान रखना है हाँ अरे सब बच्चे बराबर होते हैं सब एक समान होते हैं सब वो तो मजाक की बातें होती है चलो माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट एंड मैनेज हिज ब्रेड एंड बटर भाई कह रहा है कि मेरा एल्डरसन डील कर रहा है स्पेयर पार्ट में और मतलब ब्रेड एंड बटर कर रहा है हाँ बताओ हाँ सर का डेडिकेशन है तभी स्टूडेंट देखो किसी भी एकेडमी के स्टूडेंट तभी अच्छे होते हैं जब उस एकेडमी का टीचर डेडिकेटेड हो मेरा भी रूल है मैं कभी भी लाइव चैट में बच्चे इधर उधर की बातें करते हैं मैं उनको पसंद ही नहीं करती हम पढ़ाने पर काम करते हैं है ना तभी तो हम वायरल नहीं है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ क्लास पे रहता है है ना चलो माई सन डील्स विद स्पेयर पार्ट तो ध्यान से सुनिएगा जब भी आप किसी चीज में डील करते हैं जब भी आप किसी चीज में डील करते हैं तो डील्स इन होता है डील्स विद नहीं होता ठीक है ध्यान रखेंगे जब भी आप किसी इंसान के साथ डील करते हो तो डील विद होता है कि मैंने तुमसे डील करी तो डील विद हो गया बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी बिजनेस में आप तो स्पेयर पार्ट के बिजनेस में डील कर रहे हैं ना तो जब भी आप किसी बिजनेस में डील करते हैं तो डील्स इन होता है डील्स विद नहीं होता ठीक है डील्स इन होता है तो यहां पर यही एरर है ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है तो यहां पर यही एरर है आपका चलो नेक्स्ट है माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट डैश पीसफुली भाई मेरी सिस्टर की शादी के सभी विधि विधान बहुत अच्छे तरीके से हो गए निकाल दिया मैंने उसको घर से बड़ा नाक में दम कर रखा था सारे दिन मेरे से लड़ती थी रिमोट छीनती थी ये मैं नहीं मेरे बेटे के डायलॉग है कि खुश हो जाऊंगा मैं जिस दिन काव्या ये घर छोड़ के जाएगी अकेला राज हो जाएगा मेरा घर पे है तो ध्यान से देखिएगा माई सिस्टर मैरिज तो ये एक फ्रेज है पास्ट ऑफ ध्यान से सुनना पास्ट ऑफ पास्ट अवे मत कर देना भाई बहन की विदाई करी है कहीं

इंस्ट्रक्शन तो ये आपका क्या है वॉइस है ऊपर से कटा हुआ था ना क्या वॉइस है द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शन फटाफट बना दो फटाफट बना दो इंस्ट्रक्शन है ना टू देखो आपने ध्यान करा आपके पेपर में ये ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर्स हैं इसमें या तो टू ऑब्जेक्ट वाले आ रखे हैं और या इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ रखे हैं द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शन तो इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर दो तरीके से बना सकते हो इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू ठीक है या कैसे बनाओगे यू विल बी गिवन इंस्ट्रक्शन बाय द डायरेक्टर ठीक है तो देख लो कौन से वाला यहां पर ठीक है इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाई द डायरेक्टर तो आंसर डी आपका सही रहेगा ठीक है आंसर डी क्या रहेगा इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर तो आंसर फोर यहां पर राइट right आंसर रहेगा यस yes. बिल्कुल सब ने सही बनाया है शाबाश अगला देखिए पुट्स वन फुट डाउन पुट्स वन फुट डाउन ठीक है इसका मतलब होता है गिव अप इजीली विदाउट फाइटिंग भाई पुट्स वन फुट डाउन लर्न टू डांस इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लम्बी अडॉप्ट फ्रॉम द फिल्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड ऑफ द अपोजिशन ऑफ द डिसोबीडियंस टेक ए फर्स्ट स्टेप तो टू पुट वन फुट डाउन मतलब कहते ना यार मैं एक पैर आगे ले रहा हूं ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है पॉलिसी फेस्ड विद द अपोजिशन तो भाई कहते ना कोई लोग आपकी नहीं मान रहे तब भी आप कहते हो, चल यार मैं पैर आगे लेता हूं तो ये वो वाला एग्जाम्पल नहीं होता चल यार मैं पैर आगे लेता हूं तो इसके लिए आंसर रहेगा आपका सी ठीक है आंसर रहेगा सी नेक्स्ट देखिएगा एक्टिव वॉइस वॉइस पैसिव है बना दो इसको भी ये आप देखो बाय लगा ना इसका मतलब ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में नहीं है ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है ध्यान से देखिएगा यहां पर बाय लगा है है ना तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दे दिया मतलब एक्टिव वॉइस नीचे मिलेगा ठीक है एक्टिव वॉइस क्या मिलेगा भाई इसका नीचे मिलेगा ये पैसिव वॉइस के अंदर इसने सेंटेंस दे दिया एन एलिफेंट मे बी हाल्प इवन बाय एन आंट अब आप इसको कैसे बनाओगे ध्यान से देखो ये पैसिव वॉइस में है तो मे है ना मे तो सबसे पहले तो आप मे को ही पकड़ लो ताकि बहुत सारा ऑप्शन आपका सही हो सके हम्म अब यहां पर देखिएगा मे यहां पर क्या है भाई मे है तो आपको आंसर में मे मिलना चाहिए ये कैन है इसको काट दो ठीक है ये मे ऑट है इसको काट दो देखो कितना आधा काम आसान हो गया ना आपके पास हंड्रेड परसेंट ऑप्शन थे अब आपके पास फिफ्टी परसेंट गए एन आंट मे इवन हेल्प एलिफेंट ठीक है ए एलिफेंट थोड़ी ना होता है ए एलिफेंट थोड़ी ना होता है एन एलिफेंट होता है देखो छोटे मतलब आपको कुछ नहीं भी करना आए ना आपको रूल भी नहीं आए ना बनाना पेपर में मान लो आपने तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कभी पढ़ाई नहीं है बट आपको अंग्रेजी की बेसिक भी जानकारी है ना तो भी आपका आप क्वेश्चन बन जाता है देखो यही तो गलतियां करता है पेपर वाला ए एलिफेंट थोड़ी ना होता है एलिफेंट के आगे तो एन आर्टिकल लगाते हैं तो इवन एन आंट मे हेल्प एन एलिफेंट देखो कितना ईजिली आपका आंसर आ गया ठीक है कितना ईजिली आपका आंसर आ गया तो आंसर क्या है भाई थ्री ठीक है आंसर क्या है थ्री नेक्स्ट है टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर कहते हैं ना यार दरवाजे से दूर रखो वॉल्फ को तो इसका मतलब भूखमरी से दूर रहना तो अवॉइड स्टारवेशन ठीक है तो अवॉइड स्टारवेशन ठीक है कहते ना भेड़िया आया, भेड़िया सब कुछ ले जाता है तो उसको दरवाजे से दूर ही रखो भूखमरे को है ना तो अवॉइड स्टारवेशन ठीक है तो ये एंट्री प्रोविडेड का मतलब कहीं मना ही है आपको जाना ही नहीं है क्रैक द डील मतलब किसी भी डील को क्रैक करना प्लीज एंड टूर का मतलब बढ़िया सा घूम फिर के आगे तुम मजे ले आए हैं चलो नेक्स्ट है हैव कॉफी नोर आई डिड नोर आई डिड नहीं होता नोर डिड आई होता है ठीक है तो आंसर रहेगा यहां पर बी आंसर रहेगा यहां पर बी ठीक है कुछ टेंस के एग्जाम्पल ले लेती हूं ये देखिए चलो माय फ्रेंड्स यूजुअली डैश इन द आफ्टरनून ठीक है माय फ्रेंड्स यूजुअली डैश इन द आफ्टरनून फटाफट बताओ यहां पर कौन सा टेंस आप भरने वाले हो ठीक है फटाफट -फड़ बताइएगा यहां पर कौन सा टेंस आप भरने वाले हो माई फ्रेंड्स यूजअली डैश इन द आफ्टरनून तो आपको पता है जब भी ये शब्द आपको आ जाता है यूजअली ऑलवेज डेली ये शब्द जहां भी आते हैं वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भरते हैं ठीक है ये शब्द जहां भी आते हैं तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भरते हैं ये शब्द आपके जहां भी आएंगे तो आप कौन सा भरोगे भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस आप भरते हो यहां पर देखिएगा अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है या तो ये वाला है ठीक है या तो ये वाला है ये तो पास्ट हो गया इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं अब आपको पता है इंटेरोगेटिव याद रखना जब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव हो और जब भी आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो उनके साथ हमेशा डू, 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 डू डिड आपको जरूर मिलेगा तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं है अब देखो माई फ्रेंड यूजली अब माई फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स है फ्रेंड्स मतलब प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्क भी प्लूरल होगी तो माई फ्रेंड्स यूजअली डोंट स्लिप तो आंसर रहेगा भाई यहां पर थ्री हा बिल्कुल सही है प्रियंका डजन क्यों आएगा बच्चे माई फ्रेंड्स मेरे मित्र बहुवचन है प्लूरल है तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था एस वाले के साथ एस वाला नहीं आता है ठीक है ना जब भी नाउन के साथ एस है तो इसका मतलब वो नाउन प्लूरल है तो प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर आएगा बच्चे है ना ठीक है हाँ तो डजन नहीं आएगा डिड भी तो इंटरोगेटिव है मैं आपको बताती हूँ भाई यू इसका मतलब टेंस नहीं पढ़ रहे पेपर देने जा रहे हैं यूजली डेली ऑलवेज इन शब्दों के साथ रूल है इंग्लिश का सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो सिम्प ये तो पास्ट है तो इसको कैसे भर दोगे प्रेजेंट टेंस के रूल में तो इसीलिए डू आएगा ठीक है इसीलिए डिड नहीं आया तो ध्यान रहे नहीं बेटा फोन में कमेंट नहीं दिखेंगे मेरे को फोन रख दो यहीं पे ठीक है नेक्स्ट देखिएगा ही टोल्ड मी डाट ही डैश मूवी ही टोल्ड मी डेट उसने कहा भाई उसने फिल्म खत्म कर रही है तो सीधी सी बात है भाई उसने मुझे कहा उसने फिल्म खत्म करी है तो मतलब अभी अभी खत्म करी होगी मतलब मैंने कहा यार मैंने मूवी देख ली है है ना तो मतलब अभी देख ली मूवी तो शी टोल्ड मी डैट शी हैज एक मिनट शी टोल्ड मी डैट शी हैड finished द मूवी ठीक है शी टोल्ड मी डैट शी हैड finished द मूवी तो आंसर क्या रहेगा भाई सी रहेगा नेक्स्ट देखिएगा हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रन टू स्विच ऑफ द ओवन हाउस वाइफ को बेचारी को स्मेल आई केक जल गया अब बेचारी ऐसे ही तो होता है मतलब अब मैं भी एक हाउस वाइफ भी हूं अब मुझे भी टेंशन होगी शाम होगी वही खाना भी बनाना है तो हाउस वाइफ डैश केक्स बर्निंग एंड रन टू स्विच ऑफ द ओवन हाउस वाइफ भाग रही है भाई केक जल गया यार स्मेल आ रही है फटाफट -फड़ उसको बंद करो तो यहां पर आंसर क्या लगाओगे देखो वैसे भी ध्यान से समझो पास्ट का एक्शन है पास्ट का एक्शन है तो सीधी सी बात है यहां भी आपको पास्ट ही मिलेगा तो हाउस वाइफ स्मेल्ट ठीक है हाउसवाइफ को खुशबू आई कि केक जल गया भाई काम हो चुका पास्ट पास्ट तो पास अगला देखिए स्टूडेंट्स डेट देयर लेसन डेली एक तो मेरा बच्चा फोन उठा के ले गया एक मिनट ऐसे कमेंट नहीं दिख रहे तुम्हारे तुम क्या कमेंट कर रहे हो अंश फोन दो यार अंश फोन दे यार फोन लेके उसे क्लास चल रही है स्नोटे जोक। और मम्मा के चैनल पे भी नहीं चल रही कहीं और चल रही है हाँ। देखेगा स्टूडेंट्स लर्न लेसन डेली 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 जहां पर भी आता है डेली अब चलो इसको बता दो अब इसको तो तो तुम बता दो। learn आएगा, learns आएगा। अब इतनी बार बताने के बाद तो गलती नहीं करोगे learn आएगा, learns आएगा। का। हाँ। learn आएगा, का, yes, शाबास वेरी गुड समझ गए भाई। यही तो खास बात है एक बार गलती के बाद दोबारा गलती नहीं करते वेरी गुड सिलेक्ट हो गए तुम ग्रुप डी में

कि यहां पर यदि अगो आ जाता है क्या आ गया भाई अगो अगो क्या होता है पहले यस्टरडे अगो ऐसे सेंटेंस जब भी आ जाते हैं तो वहां पर क्या लगता है सिंपल पास्ट टेंस तो सिंपल पास्ट टेंस लगेगा तो क्या लग गया भाई लेफ्ट क्या लग गया लेफ्ट ठीक है नेक्स्ट देखिएगा बता दो फटाफट मैंने अभी समझाया है आई थिंक आप इसको भर दोगे द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग सुबह से ही मैकेनिक विकल को रिपेयर कर रहा है फटाफट फड़ बता दीजिए फटाफट फड़ बता दीजिए फटाफट फड़ बता दीजिए द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग मैकेनिक इस मॉर्निंग से विकल को क्या कर रहा है रिपेयर कर रहा है बता दो भाई इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं सिखा चुकी हूं आप बताएंगे इसका आंसर देखती हूं पहले कौन देगा सही हम्म यह सबसे पहले बीएफ करंट का आंसर बिल्कुल सही आया है हाँ मनीषा का भी सही आंसर आया है हैज बीन रिपेयरिंग ठीक है सिंस दिस मॉर्निंग सिंस और उसके बाद टाइम इंडिकेशन तो आंसर क्या आ गया सी आ गया आंसर क्या आ गया सी नेक्स्ट देखिएगा आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर आई हैव डैश लक्ष्मी अब ये क्वेश्चन है जिसको आप गलत करोगे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन में भी मतलब फोर ट्वेल्व ईयरस आ गया ठीक है ध्यान से सुनेगा इस क्वेश्चन में भी फॉर ट्वेल्व ईयर आ गया तो आपको कहोगे मैडम यहां पर भी तो सिंस फोर के बाद टाइम इंडिकेशन है तो यहां पर आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं किया लेकिन कुछ वर्ब होती हैं जिनके बाद आई एन सी फॉलो नहीं होता टू इन्फिनेटिव वाली होती है तो जो नो शब्द होता है ना बच्चे नो शब्द नो को नोइंग नहीं बनाते हैं नो के साथ आई एन सी फॉलो नहीं होता तो हैव नोन तो इसीलिए यहां पर नोन ही आएगा नोइंग नोइंग ऐसा कुछ नहीं आएगा ठीक है तो नोन आएगा जब भी आपको सेंटेंस में हैज हैव दिखे ठीक है जब भी आपको सेंटेंस में हैज हैव दिखे तो सीधी सी बात है भाई हैज हैव के बाद हमेशा वी थ्री आता है ठीक है सीधी सी बात है has, have के बाद हमेशा वी थ्री आता है ठीक है हाँ, तो हैज हैव के बाद हमेशा क्या आता है भाई वी थ्री आता है चलो नेक्स्ट है द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर भाई पिछले साल से ब्रिज बना रहे हैं बेचारे अब तक बन रहा है क्योंकि सरकार में ऐसा ही होता है भाई कोई काम शुरू हो जाता है वो होता तो है ही नहीं बस उम्मीद है तुम्हारा पेपर हो के तुम्हारा रिजल्ट जल्दी आ जाए है ना नहीं तो आपको पता सरकार में एक काम शुरू होता है तो वो चलता रहता ही है हा तो द इंजीनियर डैश ब्रिंग सिंस लास्ट ईयर तो भाई द इंजीनियर्स इंजीनियर्स तो क्या जाएगा हाउ बीन रिपेयरिंग क्या जाएगा हाउ बीन रिपेयरिंग यस नेक्स्ट देखिएगा आइदर मुन्नी और चुन्नी या तो भाई मुन्नी ने पैन खोया या चुन्नी ने खोया तो इसका मतलब किसी एक ने खोया है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा आइदर मुन्नी और चुन्नी या तो मुन्नी ने पैन खोया या चुन्नी ने पेन खो दिया तो क्या आएगा भाई हैज ठीक है तो आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट द पेन नेक्स्ट सेंटेंस है बड़ा इंटरेस्टिंग है कई बार एग्जाम में आता है टेन माइल्स डेट ए लॉन्ग वे टू वॉक टेन माइल्स ध्यान से देखिएगा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है टेन माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस अब ध्यान से सुनिएगा टेन माइल्स अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम दस मील है ये तो प्लूरल है ठीक है ये तो प्लूरल है बिल्कुल क्योंकि इसके तो एस भी लगा मैम आपने तो कहा था किसी नाउन के बाद एस लग जाता तो प्लूरल हो जाता है बट ध्यान से सुनिएगा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है जब भी एक चीज एट द होल के कॉन्सेप्ट में आ जाता है दस मील दस मील जुड़ के एक लंबा वॉक है एक लंबा डिस्टेंस है तो जब भी एक चीज एट द होल में आ जाती है तो वहां पर हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है यदि ये लिखता टेन किलोमीटर्स ऐसे तो इज़ आएगा ध्यान रखना लेकिन ये लिखे टेन किलोमीटर इसका मतलब अब ये दस किलोमीटर अलग अलग है तो फिर आर आएगा तो ये कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर है एक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है ये एक चैप्टर है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही ये रूल होता है जैसे आपने देखा होगा एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल एंड द टीचर ये क्वेश्चन कितनी बार आया आपके ग्रुप डी सी के एग्जाम में द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल एंड टीचर प्रिंसिपल एंड टीचर डैश कमिंग तो इज या आर क्या भरोगे भाई इसमें इसमें क्या भरोगे आप फटाफट -फड़ बताना एक बार क्या भरोगे सूरज ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी थैंक यू सो मच देखो एस्टेट की पंद्रह घंटे की मैराथन थी उससे बाहर कुछ नहीं आया क्योंकि वो पंद्रह घंटे की क्लास है लेकिन मैं ऐसा झूठ नहीं बोल के जाऊंगी कि इस क्लास से बाहर नहीं आएगा ढाई घंटे की क्लास में सब कुछ छोड़ना पूरा होता है है ना बट थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट हाँ पंद्रह घंटे क्लास से बाहर नहीं आएगा वो अलग कॉन्सेप्ट है अब ढाई घंटे क्लास से बाहर नहीं आएगा ऐसा झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है ना झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चों को अब मैं कह दू, इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा तुम फालतू तु पढ़ो ही ना पढ़ना ठीक है इस क्लास में मैंने कुछ चीजें सिखाई है पॉसिबल हो उसका इंपॉर्टेंट हम्म अब देखो द प्रिंसिपल एंड टीचर क्या भरोगे भाई यहाँ पर अब देखो कुछ बहुत सारे बच्चे और कमिंग और कमिंग इसका मतलब आर कमिंग वालों को ने पढ़ा नहीं अब तक है ना इसका मतलब आर कमिंग वालों ने अब तक पढ़ाई ही नहीं करी है ध्यान से सुनो पढ़ लो रे देखो द प्रिंसिपल एंड टीचर जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं ये सबसे पहला ही चैप्टर आता है इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं कमिंग अब ध्यान से सुनेगा द प्रिंसिपल एंड टीचर भाई जो प्रिंसिपल है वही टीचर है मैं ही डायरेक्टर हूं मैं ही टीचर हूं है ना तो कहने का मतलब क्या है प्रिंसिपल एंड टीचर मतलब एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है मतलब प्रिंसिपल ही टीचर है तो भाई एक ही बंदा ये इज कमिंग अब आप कहोगे मैडम मुझे कैसे पता चलेगा ये एक ही बंदा है ठीक है मैडम मुझे कैसे पता चलेगा ये एक ही बंदा है मैं बताऊंगी कैसे पता चलेगा ध्यान से सुनो जब दोनों नाउन के आगे आर्टिकल हो जब दोनों नाउन के आगे आर्टिकल है समझ लेना ये दो बंदे हैं तो फिर आप आर लगाओगे ठीक है बट यहां पर ध्यान से सुनो एक नाउन के बाद आर्टिकल है इसका मतलब द प्रिंसिपल एंड टीचर मतलब प्रिंसिपल ही टीचर है तो ईज आएगा लेकिन वो लिख देता द प्रिंसिपल एंड द टीचर द प्रिंसिपल एंड द टीचर इसका मतलब एक प्रिंसिपल आ रहा है और एक उसके साइड में उसका चमचाट टीचर आ रहा है ठीक है तो वहां पर क्या लगता भाई आर लगता तो वहां पर क्या लगता आर लगता समझ गए तो वहां पर क्या लगता भाई आर लगता तो ध्यान रखना है तो बहुत ज्यादा बार आता है एग्जाम में ठीक है क्लियर तो भाई ये मुझे लगता है प्रैक्टिस तो एक ये वाला भी बहुत आता है ये देखिएगा वी इट सो डेट वी डैश लिव हम खाते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें जब भी आपको किसी सेंटेंस में जब भी आपको किसी सेंटेंस में सोडेट so दिखाई दे तो ये मॉडल्स है सो डेट मॉडल में हमेशा मे आता है पर्पज के लिए वी इट सो डेट वी मे लिव हम मतलब वी ईट सो डेट वी मे लिव तो यहां पर क्या आएगा भाई मे आएगा ठीक है तो यहां पर क्या आएगा मे आएगा क्लियर अगला देखो वी देयर सो डेट अब यहां पर एक चीज को ध्यान से सुनना सो so डेट से पहले यदि प्रेजेंट आ जाए सो डेट से पहले प्रेजेंट आता है तो इधर आप मे भरते हो सो so डेट से पहले यदि पास्ट आता है तो इधर आप माइट भरते हो ठीक है तो इधर आप क्या भरोगे भाई इधर आप माइट भरोगे ठीक है इधर आप क्या भरोगे भाई माइट भरने वाले हो अगला देखिएगा शी एडवाइज एट आई डैश कार्टेल एक्सपेंडिचर भाई वो मुझे एडवाइज कर रही है यार तू खर्चे कम कर ले बहुत खर्चे कर रही है तू आजकल ठीक है खर्चे कम कर तो वो क्या कर रही है भाई आपको एडवाइस दे रही है तो शी एडवाइस डेट आई डैश करटल एक्सपेंडिचर तो जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो एडवाइस ऑलवेज यूज इन शुड ठीक है एडवाइस किस में यूज होती है, है तो आंसर आपका रहेगा शुड आगे ये वाले से मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर ही दिया था तो प्रीवियस आपके दस बारह पेपर्स थे जो सर ने मुझे शेयर किए थे आपके ग्रुप डी सी से रिलेटेड जो भी पेपर थे ऑफिशियल पेपर्स ठीक है तो उनका मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है अब तुम्हें कुछ ईडियम फ्रेजेस याद करवाऊं एक मिनट मुझे सर से पूछ दे पूछ लेती हूँ एक मिनट भाई पहले कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी एक मिनट रुकिएगा

चलो भाई एक थोड़े से मैं तुम्हें ना कुछ और लर्न करवा देती फ्रेजेस बहुत अच्छे ईडीएम हैं एक्चुअली वो ना किसी बुक के थे तो मुझे लगा कि सर से पूछ लेती भाई एक बार सर के चैनल पे है ना तो ऐसे किसी बुक को भाई मैं पढ़ा सकती हूँ हाँ। आप है ना बिल्कुल तसल्ली से बैठना और जो मैं आपको इडीएम फ्रेजे पढ़ाऊंगी थैंक यू सो मच प्रदीप जो मैं आपको इडीएम फ्रेजेस पढ़ाऊंगी क्लास में साथ साथ याद करवाऊंगी और वो इडीएम फ्रेजेज अपने आप में सफिशियंट रहेंगे ठीक है बिल्कुल मैं आपको साथ साथ याद करवा के जाऊंगी तो मैंने सर से इसलिए पूछा है ये जो मैं पढ़ा रही हूं भाई कोई बिहार की बुक है प्लेटफॉर्म रुकमणी एसएससी के एग्जाम में लगती है ठीक है एसएससी के एग्जाम में लगती है बट इनके इडीएम फ्रेजेज है ना बहुत अच्छे लगे मुझे और बेसिकली मैंने अपने चैनल पर कई बार पढ़ाए हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे तो इसीलिए मैं आपको और बताना तुम्हें जो तुम्हारा फोबिया है ना कि मैम अंग्रेजी नहीं याद होती ईडियम फ्रेजेस मैं जितने करवाऊंगी उससे शायद ना आए और पर सारे करवा पाऊंगी नहीं, पता नहीं टाइम हो चुका है मेरी अगली भी क्लास है चलो लो भाई ये बुक है रुकमणी प्लेटफॉर्म ईडीएम मतलब एसएससी की है कुछ एरर मिस्टेक्स करके मुझे पर्सनली अच्छी लगती है बिहार साइड की है ठीक है हाँ चलिए करें स्टार्ट और थाम के बैठो दिल कहते हैं ना साथ साथ याद करने के लिए देखिए और बताना मुझे साथ साथ याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हाँ सबसे पहले जो भी स्टूडेंट पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो अचीवर्स अकेडमी मेरा चैनल है अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा मेरा यूट्यूब चैनल है मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ ग्रुप डी में हिंदी का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा ये मेरी गारंटी है तुमसे हिंदी मुझे इंग्लिश से भी ज़्यादा पसंद है ठीक है हिंदी की बहुत सारी क्लासेज है मेरे चैनल पर सारे ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर सब कुछ पढ़ा रखा है डेली रात नौ बजे मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस भी करवाती हूँ तो जो नए बच्चे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वो अचीवर्स अकेडमी पे जरूर जुड़ें सब्सक्राइब करें शेयर भी करें जो मेरे स्टूडेंट है अचीवर्स अकेडमी वाले पहली बार दीवान सर के चैनल को देख रहे हैं तो दीवान सर के चैनल से जरूर जुड़े इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें क्योंकि सर बहुत अच्छा हरियाणा जी के पढ़ाते हैं तो आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है ठीक है और भाई मुझसे जुड़ोगे तुम्हें हिंदी इंग्लिश की टेंशन खत्म हिंदी इंग्लिश बाकी बहुत कुछ है ठीक है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना क्लास के बाद भूल मत जाना एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं पढ़ाते टाइम कमेंट बहुत कम देखती हूं क्लास खत्म होने के बाद एक एक बच्चा कमेंट जरूर करेगा जो पहली बार मुझसे जुड़ा कि क्लास कैसी लगी क्योंकि आई जस्ट लव टू रीड द कमेंट एंड गिव देम हार्ट एंड रिप्लाई देम तो कमेंट जरूर करिएगा क्लास के बाद कि क्लास कैसी लगी क्योंकि साथ वाले कमेंट मैं नहीं देख पाती हूँ हिंदी की सारी क्लास मेरे चैनल पर हैं विद प्रीवियस ऑल ग्रुप डी अब देखिएगा हम यहाँ पर याद कर रहे हैं ग्रुप डी के में लिखा है आप हिंदी में बोलते हो लोकोक्तियां अब भाई तुम हरियाणा हिंदी में तो तुम्हारे मुहावरे लोकोक्तियां अंधे की लकड़ी एकमात्र सारा ये वो तुम फटाफट कर देते हो मुहावरे और लोकोक्तियां इंग्लिश में आ जाती है वहीं पर तुम सोचने लग जाते हो यार क्या हो रखा है अब देखो कुछ भी नहीं रटना हमें क्या करना है ये जो अर्थ है उसको यहां से कोरलेट करेंगे और हमेशा के लिए याद करेंगे तो फर्स्ट है ये मेरी तरीके हैं किसी को अच्छा लगे ऑप्ट करना नहीं अपने तरीके से याद करना फर्स्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट इन ब्लैक एंड व्हाइट इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग देखो कोई भी चीज है इन ब्लैक एंड व्हाइट अब हम कैसे याद करेंगे ब्लैक व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से हम लिखते हैं तो राइट करते हैं तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया इन राइटिंग आपको पेपर में कैसे आएंगे अभी मैं पढ़ा चुकी हूं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस आपका क्वेश्चंस है नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा इडियम एम फ्रेजिज बताओ बस नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड ब्लू इन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कवर्ड विद ब्रशेस बुरी तरह से पीटना अब कैसे याद करेंगे भाई नील पड़ गए तो. तो नील पड़ गए तो भाई ब्लैक एंड ब्लू मेरे को नीला बना दिया पीट पीट के तो कवर्ड विद ब्रशेस मतलब एक तरह से बुरी तरह से पीट दिया नेक्स्ट देखो ऑन द होल या एट द होल एट द होल का मतलब क्या होता है एट द होल किसी भी चीज को एट द होल मतलब

अगला देखिए अगला है आउट ऑफ द वुड्स आउट ऑफ द वुड्स का क्या मतलब है फ्री फ्रॉम द डिफिकल्टीज भाई वुड्स होता है जंगल अब देखो अब जंगल में घुस गए ठीक है आप क्या है जंगल में घुस गए तो आउट ऑफ द वुड्स तो जंगल में घुस गए तो अब क्या होगा भाई अब जंगल से जैसे ही बाहर आओगे तुम कहोगे यार चैन आ गया यार मैं जंगल में फंस गया था और अब मुझे क्या आ गया चैन आ गया तो आउट ऑफ वुड्स मतलब फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड ट्रबल तो डिफिकल्टीज और ट्रबल से मैं क्या हो गया फ्री हो गया अगला देखो आउट ऑफ द वर्ल्ड अब ये नहीं बोलते यार आउट ऑफ वर्ल्ड हमें ना कोई चीज बहुत अच्छी लगती है हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं यार you are just out of the world. ऐसे बोलते हैं ना हम तो आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता absolutely, beautiful, कोई भी चीज़ बहुत है मैग्निफिकेंट है ब्यूटीफुल है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है नेक्स्ट देखिएगा रैप अप इन कॉटन वूल रैप अप इन कॉटन वूल किसी भी चीज को कॉटन में रैप करते हैं आप खुद बताओ आप किसी भी चीज को कॉटन में रैप करते हैं तो क्यों रैप करते हैं मतलब आप किसी भी चीज को ये पीडीएफ मैं दीवान सर को शेयर कर दूंगी सर आपको दे देंगे और अचीवर्स अकेडमी का टेलीग्राम है अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा मेरे चैनल के अबाउट में उसका लिंक है वहां भी भेज दूंगी और दीवान सर को भी दे दूंगी सर आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे ठीक है डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ रैप अपीन ए कॉटन वूल तो रैप अप इन कॉटन वूल अब किसी भी चीज को आप कॉटन में रैप करते हो किसी भी चीज को कॉटन में लपेटते हो तो क्या कर रहे हो भाई प्रोटेक्ट सो मच फ्रॉम द डेंजर अब हम आपको पता कांच की चीजें लाते हैं तो कॉटन में लपेट के लाते हैं क्यों लाते हैं लपेट के ताकि वो टूटे ना आप ये बताओ हो रहा है ना साथ-साथ याद ऐसी ट्रिक मत बनाओ ऐसी ट्रिक मत बनाओ जिस ट्रिक को याद करना पड़े कोई फायदा नहीं ऐसी ट्रिक बनाने का ट्रिक 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 को याद करना पड़े तो क्या ही फायदा आपको कोई ट्रिक नहीं याद करनी आपने इधर का रिलेशन बस इधर जोड़ना है कि इसका मतलब यह होता है बात खत्म नेक्स्ट देखिएगा ऑन द वर्ड्स ऑफ किसी चीज के कगार पर होना मतलब कहते है ना यार तू तो बिल्कुल किनारे पे है किसी चीज के तो मतलब एट द क्लोज ऑफ पॉइंट वेयर समथिंग न्यू बिगिन कुछ नया शुरू होना है तो किनारे पर होना तो ऑन द वर्ड्स ऑफ बोलते हैं उसको नेक्स्ट है नल एंड वॉइट नल एंड वॉइड का मतलब होता है नॉट वैलिड मतलब कोई भी चीज निष्प्रभावी होती है वैलिड नहीं होती उसको हम बोलते हैं नल एंड है, क्या बोलते हैं नल एंड नेक्स्ट देखिएगा टर्न डी फियर अब भाई उसने कान बहरे कर लिए अब कान कोई बहरे कर सकता है क्या एक बात बताओ है कान कोई बहरे कर सकता है टर्न ए डी फियर टू तो इसका मतलब भाई कहते ना यार मेरे कान बहरे हो रहे हैं अब कान थोड़ी ना बहरे हो रहे हैं इसका मतलब सुनना नहीं चाह रहा तू मेरी सीधी सी बात है हैं तो रिफ्यूज टू लिसन तो सुनने से मना करने के लिए वर्ड यूज होता है टर्न ए डीफियर नेक्स्ट देखो गिव ए वाइड बर्थ अब कहते हैं ना रिमेन एट द सेफ डिस्टेंस गिव ए वाइड बर्थ कहते यार मुझे है ना जगह दे दे तू थोड़ा दूर हो जाओ दूर हो जा कहीं तेरे पास बम बुम हो मेरे को सेफ्टी से रहने दे तो गिव ए वाइड बर्थ का मतलब होता है रिमेन एट ए सेफ डिस्टेंस कहते ना यार तू मेरे से एक हाथ दूर रह है ना ताकि मैं सेफ रहूं है ना क्या पता मतलब कुछ भी तो गिव ए वाइट बर्ड मतलब रिमेन एट द सेफ डिस्टेंस एंड समबडी एंड समथिंग ठीक है नेक्स्ट देखिएगा कीप ए ब्रेस्ट ऑफ कीप ए ब्रेस्ट ऑफ तो ब्रेस्ट दिल से कनेक्ट हो रहा है तो भाई मेरे दिल के करीब तो कीप ए ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है रिमेन अप टू डेट मतलब एज वेल रिमेन अप टू डेट रिमेन रहना इन्फॉर्मड रहना तो इसको हम क्या बोलते हैं कीप ए ब्रेस्ट ऑफ मतलब अप टू डेट रहना रिमेनिंग रहना मतलब कनेक्ट रहना नेक्स्ट है ऑफ वंस ओन अकोर्ड अब देखो हम क्या बोलते हैं ऑफ वंस ओन अकोर्ड मतलब किस कहते हैं ना वंस ओन अकोर्ड मतलब अकॉर्डिंग वॉलेंट्री वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से ठीक है तो ऑफ वंस अक्योर्ड का मतलब होता है वॉलेंट्री कोई भी काम अपनी इच्छा से कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑफ वंस अक्योर्ड मतलब वॉलेंट्री इच्छा से कुछ भी करना अगला देखिएगा गिव ए गुड अकाउंट ऑफ गिव ए गुड अकाउंट ऑफ मान ले भाई मैंने तुम्हें कोई काम दिया है ठीक है तो तुम क्या कहोगे अरे मैम मैंने ना आपका काम बहुत अच्छे से कर लिया ठीक है मैंने आपको काम दिया है आपने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया तो गिव ए गुड अकाउंट ऑफ का मतलब होता है डू वेल किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना तो कहते हैं ना यार मेरी नज़रों में तेरा अकाउंट अच्छा बना रहे तू अच्छी क्लास करा कर ठीक है थैंक यू सो मच संजीव तो ये क्या है भाई गिव ए गुड अकाउंट मीन्स थोड़ी स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही क्योंकि मेरी है ना आठ बजे क्लास है और मुझे हर हाल में छोड़ना है मैं चाहती हूं ज्यादा तो में याद करवा के चली जाऊं तो फटाफट ज्यादा तो नहीं लग रही सचिन वीडियो की स्टार्टिंग में दे चुकी हूं मैं हम्म ज्यादा तो नहीं लग रही ना स्पीड पहले ये बताओ थोड़ी कम कर लू क्योंकि मुझे लग रहा थोड़ी ज्यादा हो गई देखिएगा नेक्स्ट है द एडवेंट ऑफ द एडवेंट ऑफ का मतलब होता है द अराइवल एंड अप्रोच अब देखो एडवेंट हम ऐसे याद करेंगे एडवेंट मतलब आना किसी भी चीज का अराइवल होना किसी भी चीज का अप्रोच होना किसी भी चीज का आना तो उसको हम क्या बोलते हैं द एडवेंट ऑफ मतलब अराइवल या अप्रोच नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज ठीक है बैग एंड बैगेज बैग एंड बैगेज बहुत बार आया है विद वंस बिलोंगिंग्स सडनली एंड सीक्रेटली किसी के साथ जुड़ी हुई सारी चीजें कैसे याद करोगे आपको पता है जब हमें कहीं जाना हो ठीक है जब हमें कहीं जाना हो तो हम क्या बोलते हैं उठा ले ले यार तेरे सारे सारे झोले है ना सारे बैग एंड बैगेज उठा ले अपने तो बैग एंड बैगेज बैग का मतलब भाई तुमने सुना होगा सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है अपने अपने नग गिन लो जैसे शादियों में लड़कियां कई सारे बच्चे लाते होते हैं तो बड़े बूढ़े क्या क्या करते हैं अपने अपने नग संभाल लियो कोई किसी के नहीं संभालेगा तो इसका मतलब क्या है बैग एंड बैग का मतलब होता है थिंग्स एवरीथिंग जो जो चीजें आपसे बिलोंग कर रही हैं आप उनको संभाल लो भाई ठीक है नेक्स्ट है एट बैक एंड कॉल एट बैक एंड कॉल इसका मतलब होता है ऑलवेज रेडी टू ओबे ऑर्डर कैसे याद करेंगे देखो इसको एट बैक एंड कॉल ऑलवेज रेडी टू ओबे ऑर्डर एट बैक एंड कॉल का मतलब क्या है देखो भाई आप आपको पता आजकल सारे दिन मिस्ड कॉल आती हैं ठीक है हाँ आजकल सारे दिन मिस्ड कॉल आती हैं अब भाई सारे दिन मिस कॉल आएंगी तो कॉल बैक हम किस किस को करते हैं जिसको इंपॉर्टेंट दी जाती है ना भाई जिसको जिसकी ऑलवेज रेडी टू ओबे भाई जिसके ऑर्डर हमें मानने हैं हम उसी को तो कॉल बैक करते हैं बाकी कहेंगे कर लेंगे यार फिर कर लेंगे कोई ना ये तो सारे दिन आती है ऐसे बोलते हो ना तुम तो एट बैक एंड कॉल एट बैक एंड कॉल इट मीन ऑलवेज रेडी टू ओबे ऑर्डर तो ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए इमिजिएटली जब आप रेडी होते हैं तो इसके लिए एट बैक एंड कॉल बोलते हैं ठीक है ऑलवेज रेडी टू ओबे ऑर्डर इमीजिएटली नेक्स्ट देखिएगा अभी अभी समझाया था मैंने तुम्हें इन कोल्ड ब्लड जहां भी कोल्ड आ जाए ठीक है जहां भी कोल्ड ब्लड आ जाता है ठीक है जहां भी कोल्ड आ गया तो इसका मतलब समथिंग इज डेलीबेटरी मतलब कुछ भी कैलोशली निर्दयता से कुछ काम हो रहा है तो उस चीज के लिए वर्ड यूज होता है इन कोल्ड ब्लड ठीक है तो इन कोल्ड ब्लड मतलब डेलीबेटरी या कैलोशली कुछ भी निर्दयता से हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लड ठीक है नेक्स्ट है अबोबोर्ड कोल्ड जहां भी आए लेना निर्दयता होर्ड जहां भी आए वहां पर वामनेस अबो बोर्ड अबो बोर्ड का मतलब होता है ओनेस्ट एंड ओपन अबो बोर्ड का मतलब होता है ओनेस्ट एंड ओपन देखिए अबो बोर्ड हम कहते हैं मान लो आप कहीं बैठे हैं किसी भी बिजनेस मीटिंग में अब बो, ये बोर्ड है बोर्ड के ऊपर से कोई डीलिंग हो रही होगी सोचो कहते ना यार पैसे पूसे देने तो बोर्ड के नीचे से जाते हैं ना बोर्ड के ऊपर से कोई डीलिंग हो रही है तो इसका मतलब वो डीलिंग कैसी है इसका मतलब वो डीलिंग फेयर है ठीक है तो इसका मतलब अबो बोर्ड का मतलब ओनेस्ट है, ओपन है और ब्लो बोर्ड कोई चीज हो रही है बोर्ड के नीचे कोई चीज हो रही है तो आपको ध्यान रखना है बोर्ड के नीचे कोई चीज है इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रोंग तो क्या है भाई रोंग है है ना गई लाइव चैट एक चीवस हाँ पे क्लास लूंगी नौ बजे हम्म चलो देखो बाय द बुक बाय द बुक का मतलब होता है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स अब हम ये नहीं बोलते देखो बाय द बुक बाय द बुक का मतलब होता है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स कहते यार भाई मैं ना वैसे काम करता हूं जैसे किताबों में लिखा है कहते ना भाई मैं क्या करता हूं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स भाई मैं तो पूरा नियमों पे चलता हूं पूरा रूल पे चलता हूं इस रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता हूं तो बाय द बुक का मतलब है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ठीक है नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड अब देखिए बाय लीप्स एंड बाउंड बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी रैपिडली अब देखो जब लीप ईयर होता है फरवरी का आपको पता है जब फरवरी का लीप ईयर होता है तो दिन बड़े जल्दी 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 भागते हैं है ना जब फरवरी का लीप ईयर होता है तो दिन क्या है बड़े जल्दी जल्दी, जल्दी भागते हैं है ना तो बाय लीप एंड बाउंड का मतलब होता है बाय लीप एंड बाउंड मतलब वेरी रेपिडली बड़ी जल्दी जल्दी दिन भागते हैं तो हो गया याद अगला देखिएगा कुक एंड बोल स्टोरी तो आपको पता है भाई मन घड़त कहानी कहते हैं ना कुक एंड बुल की स्टोरी गा दी यार तूने तो कोई तेरी स्टोरी का कोई सिर पैर ही नहीं है तो अपसेड एंड इनप्रोबेबल स्टोरी मतलब यूं ही तेरी कहानी है नेक्स्ट देखिएगा गेट द एक्स गेट द एक्स का मतलब होता है गेट द एक्स रिमूव एंड डिसमिस फ्रॉम द जूब कहते ना भाई यार मेरे तो पैरों पे कुल्हाड़ी लगी है ना ऐसे बोलते हैं ना यार मेरे तो पैरों पे कुल्हाड़ी लगी तो गेट द एक्स मतलब भाई मैं तो रिमूव हो गया डिसमिस हो गया अपनी नौकरी से ठीक है अगला देखिए ओन द कार्ड्स ओन द कार्ड्स का मतलब होता है लाइकली और पॉसिबल जल्दी ही तो ओन द कार्ड्स अब कैसे याद करेंगे भाई तुम्हारी शादी के कार्ड बहुत जल्दी छपने वाले हैं ग्रुप डी का पेपर पास करो नौकरी नौकरी लग जाओ शादी के कार्ड छप जाएंगे जल्दी पॉसिबल है बस हो गया याद ऑन द कार्ड्स का मतलब लाइकली और पॉसिबल आय हाय खुश हो गए बालक बिल्कुल है क्लियर हाँ बिल्कुल देख क्या खुश हो गए तो पॉसिबल है तुम्हारे कार्ड जल्दी छप जाए पेपर ऊपर पास कर लो भाई तो ऑन द कार्ड लाइकली और पॉसिबल अगला देखो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ तो कहते हैं ना दिल हल्का कर लिया मैंने तो मैंने कन्फेस कर लिया भाई मैंने जो गलती कर दी थी आप कभी किसी को गलत बोल देते हो आप अंदर से ऐसे रहते हो यार मैंने क्यों बोला क्यों बोला फिर अपनी मेक ए क्लीन ब्रेस्ट भाई मैंने दिल साफ कर लिया है मतलब मैंने कन्फेशन कर लिया है भाई जो मेरी गलती थी ठीक है तो मतलब मेक ए फुल कन्फेशन ऑफ समथिंग अगला देखिएगा अगला है अंडर द क्लाउड अंडर ए क्लाउड अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है कोई भी चीज बादलों में है ठीक है अब भाई कोई चीज बादलों में अब हमें क्या पता है करवा चौथ पे बादलों में चांद छुप निकले गया निकलेगा या नहीं निकलेगा कब तक भूखा रहना है थोड़ी ना पता चलता सस्पेंस रहता है तो अंडर ए क्लाउड मतलब अंडर सस्पीशियन मतलब क्या रहता है भाई संदेह रहेगा ठीक है अंडर ए क्लाउड मीन्स सस्पेंस रहेगा संदेह रहेगा कोई भी चीज बादलों के नीचे है तो सस्पेंस रहेगा बाहर राजा भाई तू है तो अंडर ए क्लाउड का मतलब इन अंडर सस्पीशियन नेक्स्ट है समझ आ रहे हैं ना पहले बताओ फटाफट फड़ कमेंट करके समझ आ रहे हैं या नहीं देखिए डाई इन हार्नेस तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई वर्किंग कहते हैं ना डाई इन हार्नेस समझ आ रहे हैं आपको हम्म देखिये डाई इन हार्नेस तो डाइन हरनेस का मतलब क्या है जल्दबाजी में रहना अब देखो भाई मैं ना बड़ी जल्दबाजी में हूं तो कहते ना यार तू क्या चौबीस घंटे जल्दबाजी में रहती तू जल्दबाजी में मर जाएगी किसी दिन है तो डाइन हरनेस का मतलब डाइल वाइल वर्किंग कुछ बंदा सारे दिन बेचारा लगा रहता है लगा रहता है लगा रहता है तो डाइल वाइल वाइल वर्किंग तो भाई काम करते ही करते क्या हो गया भाई डाई होगी कहानी होगी काम करते करते खत्म तो ऐसे करके याद कर लेंगे आगे देखिए नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल ठीक है नेक्स्ट क्या है हार्ट एंड सोल हाँ ऑन ड्यूटी टपक जाना बिल्कुल सही पकड़े हैं अब देखिए हार्ट एंड सोल हार्ट एंड सोल कहते हैं ना यार मैं पूरा दिल से पढ़ा रही हूं ठीक है हार्ट एंड सोल आई डोंट नो व्हाट यू फील है वो तो आफ्टर क्लास मैं कमेंट पढ़ूंगी नीचे वाले तब पता चलेगा जो फर्स्ट टाइम बच्चे जुड़े हैं वो जरूर कमेंट करें बाकी मेरे वाले तो रोज करते ही मुझे इनका पता ही है पर तुम्हारे भी पढ़ूंगी हार्ट एंड सोल हार्ट एंड सोल का मतलब एनर्जेटिकली मतलब किसी भी चीज को आप बहुत एनर्जेटिकली करते हैं कहते हैं ना यार ऑलवेज आई एम एवरीथिंग कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो आई एम ऑलवेज इन फुल हार्ट एंड सोल मैं पूरे दिल दिमाग से करती हूँ किसी भी काम को तो मतलब एनर्जेटिकली करते हैं पूरी एंथ्यूसिज्म के साथ हम उस काम को करते हैं ठीक है नेक्स्ट है लिव इन ए लर्च लर्च का मतलब होता है समथिंग लाइक गड्ढा अब तुझे किसी ने गड्ढे में छोड़ दिया ले चल पड़ गड्ढे में तो इसका मतलब पुट समबड़ी इन डिफिकल्ट सिचुएशन तो भाई क्या कर दिया तुम्हें डिफिकल्ट सिचुएशन में ला दिया तुम्हें क्या कर दिया भाई गड्ढे में डाल दिया तो तुम्हें क्या कर दिया भाई डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या कर दिया तुम्हें ला दिया नेक्स्ट है गेट इन टू हॉट वाटर अब भाई तुम गर्म पानी में चले गए सोच के देखो गर्म गर्म उबलता पानी और उसके अंदर तुम तो क्या होगा मतलब सीरियस ट्रबल में आओगे मुसीबत में आ जाओगे तो बताओ कुछ भी चीज ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है अंग्रेजी के ईडीएम एन फ्रेजेस जो पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है ठीक है नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन इन द लॉन्ग रन कहते हैं यार बहुत लंबे चले हैं फाइनली हमें मंजिल मिल गई है ना तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली ओवर ए लॉन्ग पीरियड तो देखो आपने किसी ट्रिक को नहीं याद किया आपने किसी ट्रिक को नहीं याद किया है आपने उस शब्द का मतलब से ही अपना आंसर निकाल लिया है ठीक है नेक्स्ट है मेक ए मैश ऑफ तो मेक ए मैश ऑफ का मतलब होता है हैंडल और मैनेज समथिंग मतलब किसी भी चीज का सत्यानाश कर देना मे के मैश मतलब किसी भी चीज को सत्यानाश कर देना हैंडल और मैनेज समथिंग बैडली किसी भी चीज को सत्यानाश कर देना नेक्स्ट है द साल्ट ऑफ द अर्थ पृथ्वी पर नमक अब देखो पृथ्वी पर नमक का मतलब क्या है आपको पता भाई साल्ट नमक बहुत वैल्यूएबल है खाने का टेस्ट या ना है, नमक ना हो तो है ना कहने का मतलब नमक हमारे खाने की जान है है ना खाने का मजा ही ना आए नमक ना हो तो तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है पीपल हुज कैरेक्टर एंड एक्शन वेरी वैल्यूएबल मतलब जिन लोगों का कैरेक्टर या जिन लोगों का एक्शन काफी वैल्यूएबल होता है मतलब काफी अच्छे होते हैं जिन लोग आपके लिए तो उनको हम क्या बोलते हैं साल्ट ऑफ द अर्थ कोई भी खास महान आदमी है तो दे गाइज आर जस्ट साल्ट ऑफ साल्टॉर है ना नेक्स्ट है रेड लेटर डे अब देखो रेड लेटर डे अब रेड लेटर डे का मतलब क्या है भाई कहते ना लाल रंग से लिखा हुआ दिन है मतलब हिस्टोरिकल डे है 15 अगस्त एंड छब्बीस जनवरी दे मतलब वो क्या है रेड लेटर डे है ठीक है रेड लेटर डे का मतलब इंपॉर्टेंट मेमोरेबल जो डे होते हैं उनको हम बोलते हैं रेड लेटर डे ठीक है नेक्स्ट है अंडर समबड़ीज नोस किसी की नाक के नीचे अब किसी की नाक के नीचे का मतलब ये थोड़ा ना उसकी नाक के नीचे है ये एक मुहावरा है नाक के नीचे कहते हैं ना यार मेरी नाक के नीचे वो चोरी करके ले गए तो मतलब मेरी आंखों के सामने ठीक है तो नाक के नीचे का मतलब होता है फिल्ड व्यू ऑफ संबड़ी किसी की आंखों के सामने तो उसको बोलते हैं नाक के नीचे नेक्स्ट है विन ल्यूरल ल्यूरल होता है प्रतिष्ठा ठीक है फेम ओनर कोई फेम है कोई ओनर है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं बोलते हैं मतलब किसी भी टाइप के फेम को किसी भी टाइप के ओनर को ठीक है हाँ नेक्स्ट देखिएगा कैट एंड डॉग्स अब कैट एंड कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं भाई सारे दिन भागते रहते हैं तेज 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 तेज, तेज है ना तो कुत्ते बिल्ली क्या है सारे दिन तेज तेज भागते रहते हैं तो हम ऐसे याद कर लेंगे बारिश हो रही है भाई तेज तेज है ना तो बारिश हो रही है तेज तेज तो रेन हैवनली ठीक है तो क्या हो गया भाई रेन हैविली हाव... मतलब हैविली भारी नेक्स्ट है प्ले सेकेंड फिडल टू प्ले सेकेंड फिडल टू इसका मतलब होता है टू बी ट्रीटेड एज लेस इंपॉर्टेंट देन अनदर पर्सन मतलब प्राथमिक न होकर सेकेंडरी इसका मतलब क्या देखो प्ले सेकेंड फीडल भाई मैं तो तेरे को दूसरे नंबर पे कंसीडर कर रहा हूं सेकेंड नंबर पे कंसीडर फीड कर रहा हूँ तेरे को मेरी डिक्शनरी में तो इसका मतलब प्राइमरी नहीं है तू मेरे लिए है बस हो गया याद तो इसका मतलब टू बी ट्रीट इज एज लेस इंपॉर्टेंट देन अनदर पर्सन नेक्स्ट है प्ले डक्स एंड ड्रग्स प्ले डक एंड ड्रग्स कहते ना यार बिना बात के खेल खेल रहे हो तुम आजकल इन खेलों के जमाने भी हैं ठीक है तो आजकल इन खेलों के जमाने भी हैं क्या जो तुम कर रहे हो ठीक है तो भाई तुम आजकल ये खेल खेल रहे हो फिजूल खर्ची वाले हैं कोई फायदा है तो प्ले डक एंड ड्रग्स का मतलब स्पेंड मनी विथ केयरलेस मैनर नेक्स्ट है आउट ऑफ द शॉर्ट आउट ऑफ द शॉर्ट का मतलब होता है तबियत खराब होना कहते हैं ना यार आज मैं ना अपने फ्लो में नहीं हूं आई जस्ट फील आउट ऑफ द शॉट आउट ऑफ द शॉर्ट का मतलब नॉट फीलिंग वेल ठीक है आउट ऑफ द शॉट भाई मैं अपने सही वाले लेवल पे नहीं हूं तो आउट ऑफ द शॉर्ट का मतलब फीलिंग अनवेल नेक्स्ट देखिए द इंस एंड आउट ऑफ इंस एंड आउट ऑफ इंस एंड आउट ऑफ का मतलब क्या होता है द डिटेल ऑफ समथिंग जैसे आपको पता है कहते ना किसी शादी शुदी में जा रहे हो किसी फंक्शन में चल रहे अंदर जा बाहर जा देख सारा जायजा लेके आ क्या क्या बना हुआ है ना जैसे बच्चे जाते हैं शादी में बच्चे बताते हैं ना वहां पर ये वाली स्टॉल लगी है मम्मी वहां पर ये वाली होता है ना अब ये तो नहीं है कि तुम लंदन से और मैं अमेरिका से हूँ सारे हरियाणा से ही है, है ना तो इन सैन आउट का मतलब क्या बच्चा घूम घूम के देखा था मम्मी वहां ये लगा मम्मी वहां ये लगा वही जाओ बस है तो इन सैन आउट का मतलब हमने सारी डिटेल क्या कर ली भाई इकट्ठी कर ली ठीक है हाँ तो हमने सारी डिटेल क्या कर ली भाई इकट्ठी कर ली तो इन आउट ऑफ का मतलब ऑल समथिंग किसी भी चीज को इकट्ठा करना ठीक है हाँ. तो किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना नेक्स्ट देखिए पुट समथिंग इन नट शेल पुट समथिंग इन नट शेल किसी भी चीज को नट शेल में लेना नट शेल का मतलब क्या है जैसे मैं कहूँ अखरोट है अखरोट के अंदर किसी चीज को डाल दिया तो क्या कर दिया भाई तुमने किसी चीज को क्या कर दिया समथिंग इन वेरी फ्यू वर्ड्स मतलब थोड़े से शब्दों में कह दिया कहते हैं ना किसी चीज को अंदर डाल दिया मतलब थोड़े से शब्दों में उसको कह देना नेक्स्ट है इन फुल स्विंग फुल स्विंग का मतलब होता है फुली एक्टिव जब हम पढ़ाते हैं तो मतलब फुल स्विंग में होते हैं इसका मतलब झूला भाई पूरा स्विंग में है पूरा एक्टिव है तो इसका मतलब फुली एक्टिव हो रहा है ना आपको याद साथ, साथ? हम्म एक ये बहुत आता है बीट अबाउट ए बश बीट अबाउट ए बश कहते ना मतलब कुछ भी मतलब बोलते रहना लेकिन मेन पॉइंट पर ना आना स्मेल ए रेड मतलब कहते ना मुझे चूहे की खुशबू आ रही है चूहे की थोड़ी ना खुशबू है इसका मतलब समथिंग कुछ सस्पेंस है ठीक है जैसे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आकाश से एकदम बिजली गिर गई तो क्या हो जाएगा भाई तो क्या हो जाएगा एकदम कंप्लीट सरप्राइज होगा अनएक्सपेक्टेड चीजें हो, हो जाएंगी ठीक है तो इस तरीके से दो चार और करवाते हैं जो पेपर्स में आते हैं भाई मेरी है ना सच में क्लास है रियली सॉरी आई हैव टू लीव अब रुको दो चार और करवाती हूँ तुम्हें जो बहुत आते हैं एक ये रहा एप्पल ऑफ वन आईज एप्पल ऑफ वन आइज इसका मतलब क्या है एक आंख का तारा होना कहते हैं ना एप्पल ऑफ वन आईज भाई अब कोई सेब किसी की आंख का तारा थोड़ा ना होता है ये तुमने बचपन से सुना होगा ना कि ये भाई मेरी आंख का तारा है तो एप्पल ऑफ वन आईज का मतलब है एक पर्सन जिसको हम क्या करते हैं भाई बहुत प्यार करते हैं आंख का तारा एन एप्पल पाई ऑर्डर एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है एवरीथिंग इज वेल सेटल्ड बिल्कुल सेट uh, है बिल्कुल व्यवस्थित है एट इलेवेंथ आवर आपको पता है घड़ी में बारहवें घंटे से पहले ग्यारहवा होता है ना तो इलेवन आवर्स का मतलब ऑलमोस्ट

कोई बच्चा चांदी की चम्मच लेके थोड़ी ना पैदा होगा इसका मतलब भाई अमीर खानदान में पैदा हुआ है, है ना तो बोर्न विद ए सिल्वर स्पून तो ध्यान रखना आप हरियाणा के हो बेसिकली और मोस्टली बच्चे मिडिल क्लास हैं कोई सिल्वर स्पून के पास पैदा नहीं हुआ है तो आपके पास एकमात्र मकसद सो जिंदगी में कामयाब होने का है वो सिर्फ पढ़ाई है पढ़ाई है ना ये जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना तो वो ठेले लगाते हैं ज्यादा ना ही वो बिजनेस कर पाते हैं बहुत ज्यादा तो आपकी जिंदगी में कामयाब होने का एकमात्र सोर्स है एजुकेशन सो मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई पर काम करें एजुकेशन पर काम करें भाई आज मुझे क्लास को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि 20 मिनट है मेरी आठ बजे क्लास है और मुझे थोड़ा सा घर का भी देखना दो मिनट ठीक है तो आ, क्लास को मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ टाइम मिलेगा तो ग्रुप डी से पहले एक क्लास और ले लेंगे क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत अच्छे प्यार से क्लास को पढ़ा है तो मुझे अच्छा लगा है ठीक है तो मुझे आज के लिए क्लास स्टॉप करनी पड़ेगी बाकी पी मैं सर को शेयर कर दूंगी सर अपने उस पर कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं इस क्लास को कर रही हूँ भाई स्टॉप क्योंकि टाइम हो गया है एक्चुअली मेरी क्लास है दिस इज़ द रीज़न सो so, फाइनली भाई आपको क्लास कैसी लगी है क्लास को कमेंट करके मत भूलना कमेंट करना ना भूलना लास्ट में जब आ, आप क्योंकि आपने जब लगातार आप कमेंट कर रहे थे मैं उनको नहीं देख रही थी मैं पढ़ा रही थी ठीक है तो वीडियो के नीचे के कमेंट में जरूर देखूंगी और सभी बच्चे जो नए हैं दीवान सर चैनल को भी और अचीवर्स अकेडमी चैनल को भी दोनों को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हर टीचर एजुकेशन बांटता है हर टीचर का मकसद होता है उससे जुड़ा बच्चा कामयाब हो बस एक ही उद्देश्य से हम पढ़ाते हैं तो शिक्षा कहीं से मिले जहाँ बेटर लगे कहीं से मिले वहीं पर पढ़ लेना चाहिए एजुकेशन को मेरा मानना ये है ठीक है भाई तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है होप्स सो आपको इससे हेल्प मिली होगी और वाट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी डोंट फॉर गेट यू कमेंट डाउन बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू रीड द कमेंट्स की हाउ इज पीपल फील अबाउट मी आफ्टर द क्लास ठीक है भाई सो बाय गाइज टेक केयर मिलते हैं फिर कभी किसी नई क्लास में हाँ बाकी पंद्रह घंटे की मैराथन है मेरे चैनल पर एक दस घंटे की इंग्लिश की मैराथन है और एक पाँच घंटे की है आपके एग्जाम के लिए वो सफिशियंट रहेगी आप वो पंद्रह घंटे वाली मैराथन देख जाना और वॉइस पूरा डिटेल में मैंने चार पार्ट्स में करवाए हुए हैं वो सब देख लेना आपको हेल्प करेगी और अचीवर्स वाले हरियाणा जी के देख जाना दीवान सर की आपको बहुत हेल्प करेगी ठीक है भाई चलो भाई बाय थैंक यू सो मच अच्छा लगा मुझे यहाँ पढ़ाकर मिलते हैं फिर कभी चलते भटकते नई क्लास में है और वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी बच्चे भूलना मत वीडियो को शेयर करना अपने स्टेटस पे लगा दो आजाद के लिए बाय टेक केयर थैंक यू